हेलो स्टूडेंट्स गया गया। क्या हाल चाल है आप लोगों के मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज बेस थ्योरम जो है तेरह पॉइंट तीन प्रश्नावली जो आपकी है उस पूरी प्रश्नावली का वन शॉट में ही काम खत्म करेंगे हम लोग और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये प्रश्नावली अपने आप में मतलब एक बड़ा क्वेश्चन लेकर के आएगी एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है इससे ये तय बात है यह सिंपल सा सूत्र है उसका हालांकि इस सूत्र में मत जाओ मैं थोड़ा सा इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन हंड्रेड इससे बनता ही है है ना तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और क्योंकि बड़े क्वेश्चंस ही हैं इसमें तो इसको करने में समय भी लगेगा थोड़ा सा उदाहरण प्रश्न सबको समझते हुए पूरा डिटेल में लिखने में अच्छा खासा समझ आएगा तो एक लंबा वन शॉट होगा ये छोटा मोटा नहीं है अच्छा खासा जो पूरा चैप्टर जितना बड़ा वन शॉट होता है तीन चार घंटे का उतना बड़ा होगा शांति से डट करके बैठना है एक बड़ा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद में मतलब शुरू में धीरे धीरे आप लोगों का जो इसमें क्लैरिटी आएगी और एंड तक आप लोगों को लगेगा कि इतने आसान थे क्या क्वेश्चंस तेरह पॉइंट एक तेरह पॉइंट दो से भी ज्यादा आसान लगेंगे लास्ट में जाते जाते तो आप लोगों को बड़े क्वेश्चन प्लस आसान क्वेश्चन मतलब बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से आप में से जो बच्चे नए हैं वो लोग लर्निंग इन शेयर का टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना बाकी चीजें भी हैं लेकिन टेलीग्राम चैनल सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से उसके अलावा लर्निंग इन शेयर की जो एप्लीकेशन है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए खासतौर पर एक तो आप लोगों के लिए अग्नि बैच है 12th के बच्चों की बात चल रही है है और उसमें है एक तो आपके पास अग्नि बैच जिसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम के एग्जाम के, 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 के हिसाब से ही डिजाइन किया है लास्ट मोमेंट के हिसाब से इन दोनों बैचेस में से जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहो सारे नोट्स टेस्ट सीरीज कोर्सेज वगैरह के हिसाब से आप ये ज्वाइन कर सकते हो और एग्जाम में मतलब बेहतर स्कोर कर सकते हो इनमें भी वैसे तो काफी कम ही इनकी प्राइस अभी रखी हुई है हमने इसमें से भी दो सौ आप लोगों के लिए ऑफ चल रहा है आप लोगों को पता ही होगा एक जनवरी तक न्यू ईयर तक आप लोगों के टू हंड्रेड का डिस्काउंट है इसमें ऑफ चल रहा है ऑफर है आप लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत सही आप लोगों को रहेगा ये ठीक है चलिए तो ये दो कॉन्टेक्ट नंबर है आप में कुछ क्वेरीज़ हो कुछ पूछना करना हो तो इन पे फोन करके पूछ लीजिएगा इन बैचेस के बारे में हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा जो मेन मुद्दा है वो है बेज वैसे तो बेज नाम के गणितज्ञ ही थे जिनके नाम पर ही ये थ्योरम दी गई है ये थ्योरम कुछ खास तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दी गई थी खास तरह की मतलब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस -किस तो एक कर भी इस तरह के एग्जाम्पल मान लो दो अलग अलग बॉक्सेस हैं और उनमें कुछ अलग अलग बॉल्स रखी हुई हैं, है ना चैट्स वगैरह पे बच्चों कम ध्यान देना है थोड़ा सा और क्लास पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है तो आप लोग पूरा ध्यान सामने रखिएगा मैं बीच में चैट देख लूंगा आपकी लेकिन थोड़ी देर बाद में पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए हल्का फुल्का कि किस तरह की क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन कैसे पहचानोगे कि बेस प्रमेय का है वो बताना चाह रहा हूं मैं है ना तो <coughs> मान लो पहले वाले बॉक्स में पांच लाल गेंद हैं और तीन काली गेंद दूसरे वाले बॉक्स में चार लाल गेंद हैं और छह है। है ये इस तरह का दो अलग अलग बॉक्स है ये फर्स्ट वाला बॉक्स है ये सेकंड वाला बॉक्स है दो अलग अलग बॉक्स है ठीक है किस-किस तरह के बन सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है क्वेश्चन नंबर वन बॉक्स बॉक्स की जगह डिब्बा लिख देता हूं पहले डिब्बे से पहले डिब्बे से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ ले ये पूछ सकता है तो. जो आप बड़े आराम से बता दोगे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें पहले डिब्बे में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ ले या दूसरे डिब्बे से कुछ पूछ ले पहले डिब्बे की जगह दूसरे डिब्बे से काली गेंद मान लो पूछ ली मान लो किसवीं में भी करते थे अपन इस तरह के तो कि आपके पास पहला ही डिब्बा बोला है दूसरे डिब्बे को तो भूल जाओ जब जा पहले डिब्बे की बात चल रही है तो पहले डिब्बे से लाल गेंद निकालनी है पहले डिब्बे से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता अनुकूल बटे कुल के हिसाब से पांच बटे आठ अनुकूल लोग है। में अब दूसरे डब्बे से काली गेंद निकालनी निकाल है बात खत्म और कोई क्वेश्चन है ही नहीं दूसरी डब्बे से काली गेंद निकालनी है तो छह बटे दस आंसर आ जाएगा ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने किए हैं मतलब बार बार इस तरह के क्वेश्चन तो किए हैं

लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालने की प्रायिकता, केवल इतना बोले <laughs> कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है भाई साहब यह बता दो आप तो केवल यह क्वेश्चन आ जाए आपके पास में आपको बताया ही नहीं कौन सा डब्बा है पहले डब्बे में से निकालनी है दूसरे डब्बे में से निकालनी है कोई हिसाब किताब नहीं है आपको नहीं बताया तो अब आप क्या करोगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता चाहिए आप थोड़ा सा सोचो इस केस में ये थोड़ा खास क्वेश्चन है मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है यही है, है और एक और आएगा नीचे वो दो ही पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास दो डब्बे हैं सामने है ना दो डब्बे हैं सामने और आपको कुछ नहीं बोला कौन से डब्बे में से क्या करना है नहीं आपको बस बोला है हमें तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बता दो अब लाल गेंद पहले डब्बे में से भी निकल सकती है दूसरे में भी निकल सकती है समस्या हो गई ना आज तक ऐसा केस ही नहीं था आज तक तो एक ही डब्बा था जिसमें हाथ डाल के अपन गेंद निकाल लेते थे आराम से अब तो दो दो डब्बे हो गए इस डब्बे में से गेंद निकालें कि इस डब्बे में से गेंद को निकालें ये समस्या हो गई तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप एकदम एकदम शांत दिमाग से सोचो एक बार है ना कि अगर मान लो अपने को कुछ नहीं पता अपने सामने दो डब्बे रखे हुए हैं है ना तो सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहला काम आप डब्बा चूज करोगे यार इसमें से निकालू कि इसमें से निकालू सही बात है इस काम के लिए क्या होगा प्रोसेस प्रोसेस ये होगा कि पहले आप डब्बा चूज करोगे कि मैं इस वाले डब्बे में से गेंद निकालू या उस वाले डब्बे में से गेंद निकालू सही बात है डब्बे का चुनाव होगा पहले और डब्बे भी दो हैं तो इन दो डब्बों में से कोई एक डब्बा पहला डब्बा चुनने की भी प्रायिकता एक बटे दो है दूसरा डब्बा चुनने की भी प्रायिकता एक बटे दो है पहले डब्बे का चुनाव होगा फिर गेंद निकलेगी उसमें से पहले आप सोचोगे कि पहले डब्बे में से बॉल निकालू कि दूसरे में से बॉल निकालू पहली बात तो ये लाल गेंद तो बात की बात है पहले तो डब्बा कौन सा लें सबसे पहले तो ये सवाल आएगा दिमाग में सही बात है तो ऐसे केस में क्या करोगे आप ऐसे केस में ध्यान से समझना इस चीज को आ, मैं इसको रफली बता रहा हूं अभी है ना फेयर में तो अभी करेंगे क्वेश्चंस तो अभी अभी ताबड़तोड़ क्वेश्चंस तो आएंगे बढ़िया बढ़िया ये तो मैं अभी आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं कि चल क्या रहा है, होगा क्या है ना इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मले की जरूरत नहीं है जबकि इसका एक फॉर्मला भी है मैं बिना फॉर्मले के आपको ये क्वेश्चन लॉजिकली सोच करके बताता हूं कि कैसे करना चाहिए है ना आप ध्यान से सुनिएगा तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो डिब्बा सेलेक्ट होगा फर्स्ट बॉक्स एंड देन रेड बॉल फर्स्ट बॉक्स हमने पहले बॉक्स सेलेक्ट किया पहला बॉक्स या दूसरा बॉक्स फिर लाल बॉल निकाली तो बॉक्स भी सेलेक्ट होगा तथा फिर उसमें से लाल गेंद निकल जाएगी या तो ये होगा साहब या फिर क्या होने वाला है या तो ये होगा या फिर सेकंड वाला बॉक्स सेलेक्ट होगा और उसमें से लाल गेंद निकलेगी निकालनी तो लाल ही गेंद है ये तो तय है ये बात तो तय है डब्बा तय नहीं था बस तो सेकंड वाला बॉक्स हो सकता है सेकंड बॉक्स हो सकता है और उसमें से रेड बॉल निकल सकती है यह स्थिति है फिलहाल ये स्थिति है ठीक है यहां तक बहुत बढ़िया चलिए अब देखते हैं फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दो डब्बे हैं तो दो डब्बों में से एक डब्बा सेलेक्ट करने की प्रायिकता कितनी होगी दो डब्बे हैं तो दो डब्बों में से एक डब्बा सेलेक्ट करने की प्रायिकता एक बटे दो ही होगी तो फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है एंड का मतलब तथा मतलब मल्टीप्लाई और उसमें से फिर लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी है पांच बटे आठ पांच बटे आठ या का मतलब है प्लस साइन अब बात करेंगे सेकंड बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अरे दोनों डब्बों की आधी आधी प्रोबेबिलिटी है दो ही तो है अनुकूल बटे कुल अनुकूल एक है डब्बे दो है अनुकूल एक है डब्बे दो है तो वन बाई टू प्रोबिलिटी सेकेंड वाले बॉक्स को सेलेक्ट करने की है इन टू उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी है छह बटे दस के बराबर और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा यह आएगा पांच बटे आठ दो सोलह और प्लस में आ, इसको तो काट के तीन बटे पांच कर लोगे आप तो तीन बटे पांच दो दस और इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर मिलेगा एक बार इसको देख के बताओ मेरे को कि ये वाला थर्ड वाला केस आपको समझ आया कि नहीं लॉजिकली समझ में आया कि नहीं फार्मूला तो बात की बात है फार्मूला तो अपन सीखेंगे इसका कि फॉर्मूले से कैसे करना है लेकिन ये लॉजिकली आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ एक बार मेरे को पहले तो है ना तो अब एक कमाल का क्वेश्चन आएगा ये भी छोटा मोटा क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन अब आएगा असली ताकतवर चौथा वाला वो है मतलब काम का क्वेश्चन मेन तो है ना ताकतवर क्वेश्चन चौथा वाला है वो काम का है तो ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन देखिए वॉइस प्रॉब्लम कैसे हो रही है भाई बाकी लोगों की भी हो रही है क्या क्या आफत है यार आज वॉइस कम आ रही है चेक करता हूँ hmm, माइक तो ठीक है देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है क्या इशू हो रहा है वॉइस में मैंने चलाया नहीं है हेड आ रहे हैं इसमें पहले तो हाँ जी औरों लोगों को भी आ रही है क्या वॉइस लो है सबको ही लग रही है चक्कर क्या है ठीक तो आ रही है यार ठीक तो आ रही भाई ठीक आ, आ रही है यार देखो वैसे तो ठीक है है ना चलो ध्यान से सुनो ठीक आ रही है आवाज वैसे तो <laughs> कैप्चर में पूरी नहीं जा रही चक्कर है चलो तो अपन तो करते हैं फिलहाल तो और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन लेते हैं और जो सबसे दमदार क्वेश्चन है और वही उसी पर सारा दारोमदार रहेगा मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर फोर जगह नहीं उधर क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर हो सकता है आपको इस तरह का केस दे सकता है कि दोनों में से किसी एक डब्बे में से लाल गेंद निकाली गई है पहले से ही बता देगा आपको किसी एक डब्बे से या कह लो कि एक लाल गेंद निकाली गई है एक लाल गेंद निकाल ली गई है निकाली गई है इस बात की क्या प्रायिकता है या इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि की निकाली गई गेंद निकाली गई गेंद पहले डिब्बे की है ये हमारे को पूछ ले उल्टा क्वेश्चन मतलब आपको दे दे कौन सी बॉल निकाली है बातें खत्म अभी तक तो यह पूछ रहा था लाल गेंद निकालने की प्रायिकता Uh, काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहले डब्बे में से निकालने की प्रायिकता दूसरे से लाल निकालने की डब्बा नहीं दिया तो काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है डिब्बा नहीं दे होगा तो यही ना गेंद है तो गेंद निकालने की प्रायिकता पूछेगा लेकिन ये रिवर्स चीज बोल दी इसने इसने बोला की गेंद तो निकाल ली भाई गेंद तो सामने रखी है लाल गेंद निकली हुई रखी है लेकिन इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पहले वाले डब्बे में से निकली गई हो तो मतलब रिवर्स चीज पूछ ली उल्टी चीज पूछ ली इसको बोलते हैं बेसिकली प्रतिलोम प्रायिकता मतलब इसके लिए प्रतिलोम प्रायिकता एक वर्ड है और इसी पर सारा गेम चलेगा इसी पर पूरी बेस प्रमेय चलती है ये चौथा क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आगे के सारी स्लाइड्स अपन यूज लेंगे ये केवल इस स्लाइड पे समझ में नहीं आएगा तो यहां तो क्वेश्चन लिया है अब इसका आंसर चौथे वाले वाले केस का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे पूरा डिटेल में क्लियर है तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई ये तो इस तरह के क्वेश्चन की बात है कि ये दे दिया कि लाल गेंद निकाली गई है अब पूछे उसके पीछे की स्टोरी कि बताओ कि ये फर्स्ट वाले बैग में से निकाली गई थी इसकी क्या प्रायिकता है है ना तो ये प्रतिलोम प्रायिकता वाला केस आ गया अब यहां पर भी आप थोड़ा सा नोटिस करें तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और कुछ की प्रोबेबिलिटी पूछी है एक लाल गेंद निकाली गई है एक घटना है जो दी हुई है आपको और दूसरी घटना है जिसकी प्रायिकता निकालने को बोला गया है जैसा कि तेरह पॉइंट एक प्रश्नावली में भी हुआ करता था

बस उसको हम लोग उसको ए घटना मान लेते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि उसको हम लोग घटना ए नाम दे देते हैं बस और कोई बात नहीं घटना ए नाम दे देंगे हम लोग उसको ठीक है तो अब कैसे होगा क्वेश्चन उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपको यहाँ लिख करके बता दू कि ये भी और कुछ नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है कुछ और नहीं है कंडीशनल है प्रोबेबिलिटी ही है है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना प्रतिलोम प्रायिकता भी लो और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है एक तरीके से उसी की हेल्प से ये सारा कार्यक्रम होगा तो अब हम लोग इसके फॉर्मले की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं फॉर्मला कुछ इस तरह का आएगा इसका जैसे मान लो जो घटना दी गई होगी आ, ए वाली तो ऐसी घटना होगी जो दी गई है और हम लोग यहाँ ई वन घटना एक मान लेंगे जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है E1, E2, इस तरह की जो भी घटनाएं होंगी जिसकी प्रायिकता पूछी जाएगी जैसे मान लो अः ए घटना तो है कि जो चीज दे दी गई है आपको जैसे लाल गेंद निकाल ली गई है लाल गेंद निकल गई है तो ये घटना ए आ गई ई घटना क्या होगी गेंद बॉक्स फर्स्ट में से निकाली गई हो E2 घटना क्या हो जाएगी गेंद तो वाले डब्बे में से निकाली गई है तो ये E1, E2 E3 इस तरह से आएगा जिसकी प्रायिकता निकालने को बोला जाता है उस तरह की कितनी घटनाएं हैं जैसे बॉक्स वन में से गेंद को निकालने की प्रायिकता बोली गई है तो बॉक्स वन टाइप के कितने बॉक्स हैं उस तरह की कितनी घटनाएं हैं वो ए वन ए टू थ्री इस तरह से बनेंगे क्लियर बात यहां तक अब देखिए यहां पर हमें निकालने को मैं लिखी देता हूं ना यहां पर ए क्या है वन क्या है ई टू क्या है लिखी देता हूं चौथा क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं लाल गेंद निकाली गई है यह है घटना ए ये दे दिया है हमारे को ई वन है पहले डिब्बे से गेंद निकाली और E2 टू घटना है दूसरे डिब्बे से गेंद निकाली तो इसको E2 टू घटना बोल रहे हैं हम लोग दूसरे डिब्बे से गेंद निकाली इसको हम लोग ई टू घटना बोल रहे हैं क्लियर है यहां तक चलिए बहुत बढ़िया यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मजा ही आ गया हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहां पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है मैं इस तरफ कर देता हूं इस चीज को चौथे क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन दे रहे हैं अपन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इवन बाई ए कि भाई ए घटना हो चुकी है अब इवन घटना के होने की क्या प्रायिकता है ए घटना हो चुकी है हो चुकी है नीचे ही आता है वो तो? एक घटना हो चुकी है लाल गेंद निकल चुकी है ये पता है सबको अब डब्बे पहले डब्बे से गेंद निकली है इसकी क्या प्रायिकता है तो यही होता, होता, -E होता है बेसिक फॉर्मूला इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है बहुत बढ़िया अब थोड़ी सी चीजें इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे थोड़ा ध्यान देना आप पहले तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इसको इस वाली चीज को पी ईवन इंटरसेक्शन ए को कैलकुलेट कर रहा हूं मैं आपको एक चीज पता है कि पी ए बाईन की अगर बात करें तो वो होता है पी ए इंटरसेक्शन ईवन या इन इंटरसेक्शन ए ही बात है और नीचे आ जाएगा पी ईवन है ना? अगर मैं इसको इस बार इस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा क्योंकि ये निकालना आसान है कि ईवन घटना पहले दे दे कि भैया पहले डब्बे में से बॉल निकाली है फिर ए घटना की प्रायिकता फिर लाल गेंद निकली हो उस डब्बे में से ये निकालना आसान है तो इसका उल्टे वाले से हम ये फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं इसका रिवर्स लेकर के फॉर्मूलाई ई वन वो आएगा इक्वल में पी ए इंटरसेक्शन ई वन के बराबर तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन ई वन बोलो या इन इंटरसेक्शन ए बोलो बात एक ही है वो तो वो हमारा आ जाएगा पी ई वन इंटू पी ए बाईन इसी प्रकार से अगर आपको ई e वन की जगह ई e टू लिखना हो तो हम लोग बड़े आराम से उसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ये एक बेसिक सा सूत्र है जो हमने यहीं से बना दिया कोई खास बात थी नहीं इसमें है ना एक छोटी सी चीज और यहाँ पर है जो हमें ध्यान रखनी है पहली चीज की वैल्यू तो हम लोग लिख देंगे भले कोई टेंशन नहीं है वो आ रही है पी ई वन इनटू में पी ए बाई ई वन ये पहली चीज की वैल्यू हो गई डिवाइड में पी ए पी ए की वैल्यू निकालेंगे पी ए का मतलब क्या है ध्यान से समझना इस बात को पी ए का मीनिंग क्या है थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को पी ए है लाल गेंद निकाली गई है लाल गेंद निकाली गई है लाल गेंद का मतलब क्या है लाल गेंद का मतलब है ये वाला क्वेश्चन लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बतानी साहब अब लाल गेंद ऐसे थोड़ी निकल जाएगी हमें क्या पता किस किस डब्बे में से निकली है दोनों डब्बों को करके देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। लाल गेंद गई है, तो दो केस बनेंगे यहां पर फर्स्ट वाला बॉक्स पहले सेलेक्ट हुआ फिर लाल गेंद निकली या फिर सेकंड वाला बॉक्स सेलेक्ट हुआ फिर लाल गेंद निकली यही होगा ना पी ए का मतलब क्या है की कैसे निकलेगी फर्स्ट बॉक्स एंड रेड बॉल या फिर सेकेंड बॉक्स एंड रेड बॉल यही हिसाब किताब है और क्या है कहानी सिंपल है यहां पर ठीक है और इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं और ये यूं ले लेता हूं थोड़ा सा इधर चलिए बहुत बढ़िया तो यहां से फर्स्ट बॉक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी पी ईवन नाम दे देते हैं हम लोग पी इन ईवन पहले डब्बे में से गेंद निकाली या कह लो पहले डब्बे में से गेंद निकाली या पहला बॉक्स सेलेक्ट किया बात तो एक ही है तथा लाल गेंद निकली कहां से पहले ही डब्बे में से पहला बॉक्स सेलेक्ट हुआ तथा पहले डब्बा सेलेक्ट होने के बाद उससे लाल गेंद निकली तो पहला डब्बा सेलेक्ट हो चुका है और फिर लाल गेंद निकली है या का मतलब प्लस साइन सेकंड बॉक्स सेलेक्ट हुआ उसके लिए पीई टू e दूसरा डब्बा सेलेक्ट हो गया तथा तथा का मतलब मल्टीप्लाई ही है रेड बॉल कहां से सेकंड में से तो उसको लेकिन मैथमेटिक्स में पूरा लिखना पड़ता है कि सेकंड डब्बा सेलेक्ट होने के बाद एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भाई ये रेड बॉल का मतलब सेकंड डब्बा सेलेक्ट होने के बाद रेड बॉल तो सेकंड डब्बा सेलेक्ट हुआ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई कि सेकंड डब्बा सेलेक्ट हो चुका है साहब अब लाल गेंद निकाल दो तो ये हमारे पास बेसिकली पी ए का मान आएगा जितने भी डब्बे होंगे उन सब के लिए फॉर्मेट फिक्स है ई वन पी ए बाईन जो ऊपर था ना वही फॉर्मेट में आ जाएगा कि पी ईवन पी ए बाईन या फिर पी ई टू पी ए बाई टू और ये हमारा फाइनल P e upon A formula बन जाएगा जाएगा ये ये हमारा है है इस तरह से आपको questions solve करने होंगे ध्यान ध्यान रखना है अपने को अब रह अभी मैं इतने questions कि फॉर्मुला तो याद रखने की आप टेंशन ही दो वो तो आपको रट जाना है अभी थोड़ी देर में ही थोड़ी देर में रट ही जाएगा मतलब याद तो क्या रट जाएगा ये फॉर्मूला आपको बस आप कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में कैसे मैं कर रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पर क्वेश्चंस किस फॉर्मेट के आएंगे आप लोगों को समझ में आ गया है और इसका आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ये जो चीज अपन ने निकाली है इससे आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा पी इवन अपॉन ए का आंसर आ जाएगा पीईवन मतलब पहला डब्बे में से गेंद निकाली इसकी प्रायिकता एक बटे दो है और पहले डब्बा चुना और उसके बाद लाल गेंद निकली भाई इवन घटना हो चुकी है पहला डब्बा चुन लिया गया है अब एक घटना होने की क्या प्रायिकता है अब लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है पहला डब्बा चुन लिया है और फिर लाल गेंद निकलेगी पांच बटे आठ से यह आएगा पांच बटे आठ से डिवाइड में डिवाइड में तो यही चीज जो अपन ने निकाली थी एक बटे दो गुना पांच बटे आठ और एक बटे दो गुना छह बटे दस और इसको कैलकुलेट कर लोगे तो फाइनल आंसर भी आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इसकी कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं तो चौथा क्वेश्चन भी अपने सारे इसी दो तीन होते तो ऐसे ही प्लस लगा के तीसरा वाला लगा देते तीन लोग होते तो, चार होते तो चार आ जाते जा तो सिंगल ही आएगा जो ऊपर वाला है वही ऊपर आएगा नीचे तो सारे ही आ जाते हैं अनुकूल बटे कुल के हिसाब से सोचो तो भी यही बनती है बात तो है ना तो ये कहानी है इस फॉर्मूले के पीछे ये फॉर्मूला इस तरह से चलता है बाकी एक और डेरिवेशन का तरीका है इसका वो उस तरीके पे जाने की जरूरत नहीं है जो मैंने लॉजिक बताया है उस लॉजिक को भी अगर आप ध्यान रखते हो तो उस लॉजिकल चीज से ही हमने तो डेरिवेशन कर दिया इस फॉर्मले का ये देख लो आप सिर्फ लॉजिक लॉजिक को चलाते हुए डेरिवेशन कर दिया पूरा फॉर्मूला सिर्फ लॉजिक लॉजिक को ध्यान में रखते हुए पूरा फॉर्मूला डेराइव हो गया यही है पूरा सारे क्वेश्चन ऐसे नाइनटी फाइव नाइनटी परसेंट क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे एक दो परसेंट पांच परसेंट क्वेश्चन मान लो लगभग ऐसे मिलेंगे थर्ड और फोर्थ टाइप के ही क्वेश्चन है सारी प्रश्नावली में खत्म हो गई प्रश्नावली खत्म हो गई अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको लगेगा कि यही था क्या बस इसको बेज प्रमेय बेज प्रमेय करके सर पे बिठा रखा है क्या ये है क्या पांच नंबर का क्वेश्चन इतना फर्जी एग्जाम में आता ही आता ही है ये मान के चलो बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में आएगा बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ठीक है अरे यार वॉइस कितनी लो आ रही है कितने बच्चे कह रहे हैं चक्कर क्या है कुछ ज्यादा ही बच्चे कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं आ रही है वॉइस लो इतनी भाई एग्जाम में आता ही आता है ये मान के चलो बहुत ज्यादा चलो मैं कुछ करता हूँ इसका इलाज वॉइस का क्या करें यार क्या बीच में आफत आ जाती है आवाज वाली अभी भी लो है क्या कैसे बढ़ाऊ मैं इसको <laughs> इस सेल नहीं डाउन हो गए बस इसके अगर सेल डाउन हो गए ना तो मेरे पास दूसरे सेल रखे नहीं है अभी सेल तो डाउन नहीं लग रहे मेरे को अभी भी आवाज लो ही आ रही है क्या अरे यार अब जो भी है इससे एडजस्ट करो आप लोग है ना कोई इलाज नहीं नज़र आ रहा मेरे को मैं एक बार देखता हूँ देखें कुछ और इलाज होता है तो एक, एक पाँच सेकंड का समय और दो नहीं तो फिर कोई इलाज नहीं है फिर है ना चलो मैं दूसरे माइक की व्यवस्था कर रहा हूँ तब तक पांच दस मिनट लगेगी उसमें एक और माइक की व्यवस्था की जा रही है आप लोगों के लिए लेकिन तब तक थोड़ा मैनेज करो तब तक अपन जो चला रहे हैं मैं थोड़ा सा और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ ठीक है चलिए तो यहाँ तक अपन ने कर लिया है अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मैं इसकी बात नहीं कर रहा पहले उदाहरण नंबर पंद्रह भी नहीं कर रहा पहला क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा पहले मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं सारे करवाऊंगा टेंशन मत लेना थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान से देखते रहो सामने जो चल रहा है और थोड़ा सा आवाज आवाज को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सुनो सब आ जाएगी आवाज ठीक है इतनी कम भी नहीं आ रही यार मैंने भी देखा है मेरे को तो आ रही पता नहीं आप लोगों को इतनी कम कैसे आ रही समझ नहीं आ रहा मेरे को एक थैले में चार लाल और चार काली गेंदे हैं और एक अन्य थैले में दो लाल छह काली गेंदे हैं दोनों थैलों में से एक को याद्रक्षा चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है ठीक है चेक कर लेते हैं सेम पैटर्न का क्वेश्चन है वही पहले थैले से निकाली गई गेंद का हिसाब किताब है मैं प्रॉपर लिख करके बता देता हूँ कि एग्जाम में अब आप लोगों को कैसे इसको लिखना है लिखना कैसे है एग्जाम में मैं वो बता रहा हूँ अब आप लोगों को ठीक है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना कैसे करना है एग्जाम में ये तो है पहला बॉक्स ये है दूसरा वाला बैग आपका दूसरा थैला पहले थैले में चार लाल गेंदे हैं और चार ही आपकी काली गेंदे हैं दूसरे थैले में दो लाल गेंदे हैं और छह काली गेंदे हैं ठीक है आपको बोला गया है कि एक दोनों थैलों में से एक को याद्रक्षा चुना जाता है उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है गेंद लाल है एक लाल गेंद निकाली जाती है बता दिया इसने कि दोनों थैलों में से एक को याद चुना जाता है उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है मतलब एक लाल गेंद निकाल दी इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है जो घटना दे रखी है उसको घटना ए नाम दोगे आप लिखोगे घटना ए क्या है घटना ए है कि लाल गेंद निकाली गई लाल गेंद निकाली गई घटना ई वन घटना E1 वन पहले थैले से गेंद निकाली पहले थैले से गेंद निकाली इस बात को घटना E1 नाम दे दिया और घटना E2 नाम किसको दोगे आप दूसरे थैले से गेंद निकाली दूसरे थैले से गेंद निकाली

Even मतलब पहले थैले से निकली है ए मतलब लाल गेंद निकल चुकी है जो divide में लगता है वही हो चुका होता है वो divide में जाता यहाँ पर ई वन के लिए लेना है तो ई e, वन से ही स्टार्ट हुआ ऊपर और डिवाइड में दोनों के लिए आ जाएगा डिवाइड में आएगा पी ई वन पी ए बाईन और प्लस लगा करके पीई टू e, पी ए बाई बस इन सब की वैल्यूज पहले से निकाल करके रख लो जैसे मैं यहां निकाल देता हूं पी कितना आएगा वन बाई टून मतलब पहले थैले से कोई गेंद निकाली पहले थैले से निकालो दूसरे थैले से निकालो दोनों की प्रोबेबिलिटी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है ना कि भाई पहले थैले से गेंद निकलेगी कि दूसरे से निकलेगी फिफ्टी फिफ्टी चांसेज है उसके तो, तो पहला थैला सिलेक्ट हुआ इसकी भी आधी प्रोबेबिलिटी दूसरा वाला सेलेक्ट हुआ इसकी भी आधी प्रोबेबिलिटी उसके बाद में पी ए बाईन आपको निकालना है ए बाईव e भी निकालने को बोला गया है वहां पर तो उस हिसाब से ए बाईव e कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ए बाईन e का मतलब है कि ईवन e घटना हो चुकी है ये पता है कि पहले थैले से गेंद निकाली है अब ए घटना होने की क्या प्रायिकता है लाल गेंद निकली हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है पहले थैले से मतलब लाल गेंद निकली है ए बाईव e का मतलब पहला थैला सेलेक्ट हो चुका है अब लाल गेंद निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है चार बटे आठ चार बटे आठ का मतलब हो जाएगा एक बटे दो उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाला थैला ये रहा ई टू अगर हम निकालें तो किस तरह से निकालेंगे ए बाईट का मतलब है ई टू सेकेंड वाला थैला सेलेक्ट हो चुका है अब ए घटना की प्रायिकता अब लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है दो बटे आठ दो बटे आठ कुल प्रायता एक बटे चार हो गई है ये हमारे पास फाइनल बन रहा है सारी वैल्यूज आ चुकी हैं सारी वैल्यूज उठा करके वहां रख दो जो जो वैल्यूज की जरूरत है सारी ये वैल्यू यहां पर उठा कर रख रखी पी इवन ये रहा एक बटे दो पी ए बाई इवन ये रहा एक बटे दो डिवाइड में पी इवन ये रहा एक बटे दो पी ए बाई इवन एक बटे दो ये भी एक बटे दो और पी ए बाई इ टू एक बटे चार आप एक काम करो इसको कैलकुलेट कर लो जैसे हो यार आप लोगों से वन बाई टू वन बाई टू सब जैसे कटेगा कॉमन आकर के आप चाहो तो वैसे कर लो कैसे मैं दिखाता हूं आपको यार ऊपर तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू चल ही रहा है नीचे आपका वन बाई टू कॉमन आ रहा है और ये वन बाई टू प्लस वन बाई फोर चल रहा है वन बाई से वन बाई कट गया रिजल्ट आ रहा है वन बाई ऊपर नीचे चार और दो छह चार प्लस दो बटे आठ और ये होगा एक बटे दो एक बटे दो बटे छ बटे आठ और एक बटे दो गुणा आठ बटे ये चार है चार और छह को भी काट लो दो बटे तीन आंसर आ जाएगा ये फाइनल आंसर है दो बटे तीन फुल एंड फाइनल आंसर है बात खत्म और क्या ये फाइनल आंसर है और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये बड़ा क्वेश्चन बनकर के आता है छोटा नहीं आता इससे प्रश्न इससे बड़ा ही क्वेश्चन आता है और आता ही आता है ये मान के चलो आप तो आता ही आता है आज की क्लास खत्म होने तक आप लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा सारे बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा क्लास खत्म होते होते मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सारे एग्जाम्पल भी करवाने वाला हूँ चिंता मत करना आप लोग ठीक है आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बहुत अच्छी बात है अर्धवार्षिक में नाइनटी थ्री नंबर आए हैं विशाल आपके थोड़े और मेहनत करो सौ नंबर की तरफ अपने को बढ़ना है ठीक है आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर सोलह उदाहरण नंबर सोलह की बात करते हैं देखिए कैसे करना है इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है एक और प्रैक्टिस के तौर पे ले रहे हैं अपन प्रैक्टिस ही होगी अपनी दो थैले हैं साहब फर्स्ट और सेकंड बहुत बढ़िया फटाफट से बना देता हूं मैं दो थैले ये एक थैला और एक और थैला बना देंगे हम लोग फटाफट ये एक और थैला आ गया क्या बोला है इनके बारे में इसने बोला है कि थैले फर्स्ट में तीन लाल गेंद है और चार काली गेंद है थैले सेकंड में पांच तो लाल गेंद है और छह काली गेंद है ये फर्स्ट और ये सेकंड हमारे पास आ गया ठीक है फर्स्ट और सेकंड आ गया बैग किसी एक थैले में से यादरक्षा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की लाल रंग से कुछ ज्यादा ही प्यार है क्या सबको लाल काला लाल काला ही चल रहा है और मैंने भी लाल काला ही लिया था कमाल है तो किस... लक्की, लक्की बात है यार लाल और काले पे ज्यादा जोर चल रहा है सब जगह वो किस्मत से मैंने भी लाल काला ही ले लिया क्या पता पढ़े लिखे का याद रह गया होगा ध्यान रह गया होगा ऐसा कुछ खैर लाल रंग की है तो वही घटना ए सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया अब तो मेरे ख्याल से आपको पता ही चल गया कि लाल गेंद निकाली गई है लाल गेंद निकाली गई इसको घटना ए बोल दिया घटना ए वन क्या हो जाएगा वही पहला थैला पहले थैले से गेंद निकाली पहले थैले से गेंद निकाली निकाली गई और वही घटना ई टू कितनी आ जाएगी वही घटना ई टू अगर निकालें तो दूसरे थैले से गेंद निकाली गई घटना आ जाएगी दूसरे थैले से गेंद निकाली गई दूसरे थैले से गेंद निकाली गई ठीक है अब वही सेम काम काम एकदम सेम ही करना है किस तरह से लेके जाना है देखिएगा सेम पैटर्न पे आपके लिए दूसरा माइक मंगाया गया है भाई आवाज की समस्या को हल करने के लिए एकदम तड़कता भड़कता ताजा ताजा गरम गरम दूसरा माइक लगा ही लूगे मैं पहले माइक चेंज कर लेता हूँ आप लोग कह रहे हो इतना तो तब से कहे जा रहे हो कहे जा रहे हो पागल कर दिया क्या क्या के, -के, -के? <laughs> पता नहीं कौन सी आवाज़ कम ज़्यादा आ रही है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा लेकिन खैर कोई नहीं आप लोग कह रहे हो तो बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी उसमें क्या बात है फटाफट से मैं लगा देता हूँ माइक एक मिनट लगेगी जब तक आप लोग सॉल्व करो इसको फटाफट से सॉल्व करो इसको जब तक अरे भाई फ़ोन करके भी बताओगे क्या एक तो ये फोन करने वाले व्यक्ति समझते नहीं है कि मैं क्लास में हूँ पता नहीं क्यों कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को कि मैं क्लास में रहता हूँ भाई बहुत ज्यादा क्लास में हूँ मैं हाँ एक मिनट में बस चालू कर देते हैं अभी फटाफट एक मिनट रुकना बस आप लोग अभी चालू करते हैं इसको तो हो गया होगा यार अब बताओ अब आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही एकदम कड़क धमाकेदार आवाज है कि नहीं है ये बताओ अब तो बढ़िया आनी चाहिए यार अब लिख दो फटाफट से नीचे चैट में कैसी है आवाज <laughs> हाँ भाई अब ठीक है बढ़े आगे लिख देना मतलब मैं पढ़ लूंगा थोड़ी देर में क्या बात है मेरे लिए काढ़ा भी भेजा गया है यार

सेकंड बोल दिया चलो शुक्र है इसने फर्स्ट नहीं बोला यार पिछले दो क्वेश्चन से फर्स्ट फर्स्ट चल रहा है थैला मतलब तो क्या प्रोबेबिलिटी है? है तो ये आएगा हमारे पास में पीई टू पी ए बाईटू डिड में बाईट आ गया तो ई टू वाला ऊपर आ जाएगा नीचे तो टोटल आने हैं नीचे तो पी ई वन और पी ए बाईन आएगा और ये हो जाएगा पी ई टू और पी ए बाई ए टू आ जाएगा ये इस तरह का हिसाब किताब चल रहा है चलिए तो अब हम लोग यहां पर वैल्यूज वगैरह रखने की कोशिश करते हैं फटाफट से वैल्यूज निकाल लेते हैं क्या क्या आएगी देख लीजिए ध्यान से पी इन से सबसे पहले निकालते हैं पी ईवन का मतलब पहला डब्बा सेलेक्ट किया है या पहले डब्बे में से बॉल निकाली है आधी प्रोबेबिलिटी इसकी दूसरे डब्बे की भी आधी 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 प्रोबेबिलिटी है दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी चल रही है पी, A by का मतलब है कि ईवन घटना हो चुकी है पहला थैला सेलेक्ट हो चुका है अब लाल गेंद निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो पहले थैला सेलेक्ट हो चुका है इसमें से लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी है थ्री बाई सेवन अनुकूल बटे कुल सेकेंड वाला है कि ए बाई टू का मतलब है दूसरा थैला सेलेक्ट हो चुका है दूसरे थैले से गेंद निकाली गई है अब एक ही क्या प्रोबेबिलिटी है मतलब लाल गेंद निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो पांच बटे ग्यारह अनुकूल बटे पांच बटे ग्यारह अनुकूल बटे कुल के हिसाब से हो जाएगा चलिए अब वैल्यू रखते हैं हम लोग यहां पर ये यह हो जाएगा वन बाई टू वन बाई टू इन टू ए, ए, टू, ए टू है ये रहा पांच बटे आ जाएगा यहां पर और डिवाइड में ए पी ई है वन बाई टू, ए वन है थ्री अपॉन सेवन और प्लस में ई टू तो वही टू इंटू फाइव बाई इलेवन ऊपर ही निकाला है, सेम चीज़ ही है तो। ये तो कॉपी पेस्ट कर लो हर जगह से एक कैलकुलेशन कॉमन रहती है हमेशा जनरली इधर कुछ ना कुछ कॉमन आकर के कट जाता है जैसे वन बाई टू इंटू फाइव बाई इलेवन है ना ऊपर नीचे से वन बाई टू कॉमन आ रहा है तो ये थ्री बाई सेवन प्लस फाइव बाई इलेवन रह रहा है ये कट गया जो बचा है उसको कैलकुलेट कर लो ऊपर है पांच बटे ग्यारह और डिवाइड में है ग्यारह सात सतहत्तर और ये आ जाएगा ग्यारह तीर तैंतीस प्लस में सात पंजे पैंतीस ठीक है और यहां से आएगा ग्यारह सात सतहत्तर तो ये हो गया ऊपर चल जाएगा सात सात पंजे पैंतीस बटे पैंतीस दुना सत्तर सिक्सटी एट यहां पर बनेगा फाइनल और ये हमारा फाइनल आंसर है इस तरह से हम लोग इसको सेटल करेंगे तो होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किया गया है काम और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है कोई चेंज नहीं है सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है और कोई चेंज नहीं है इसमें एकदम सेम फॉर्मेट सारे माने सारे बहुत सारे बच्चे आंसर लिख भी रहे हैं अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं हम लोग एक उदाहरण नंबर सत्रह करके देखते हैं इसी फॉर्मेट का है सारे इसी फॉर्मेट के चलेंगे क्वेश्चन तो चिंता ही मत मत करो आप लो। आप लोग ये ये कह तीन अभिन्न डब्बे अब समझना कि सारे क्वेश्चन डब्बे वाले ही हैं कुछ और भी आएंगे लेकिन अभी डब्बे वाले से थोड़ा सा ईजी पड़ता है तो डब्बे वाले क्वेश्चन पहले ले रहे हैं अपन और शुरू में दे भी हो रहे हैं तीन अभिन्न डब्बे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अभिन्न का मतलब बाहर से देखने पर डिफरेंस नहीं पता चलता सेम जैसे दिख रहे हैं तीन अभिन्न डब्बे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए हैं जहां प्रत्येक में दो सिक्के हैं डब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं डब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं और डब्बे थर्ड में एक सोने और एक चांदी का सिक्का है तो ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे आ... तीन डब्बे बनाएंगे फिलहाल तो तीन डब्बे बना लो फटाफट से और ये हो गया अपना दूसरा वाला और एक और ले, ले लेते हैं ये हो गया अपना तीसरा डब्बा ठीक है ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड डब्बा है इसने बोला है कि दो सोने के सिक्के हैं इसमें दो सोने के सिक्के बहुत ही बढ़िया बात है भाई और दो चांदी के सिक्के हैं दो चांदी के सिक्के हैं और थर्ड वाले में एक सोने व एक चांदी का सिक्का है इसमें इसमें दोनों सोने का है इसमें दोनों चांदी का है इसमें एक सोने का एक चांदी का सिक्का रखा हुआ है ऐसा तीन डब्बे रखे हुए हैं छोटे छोटे सामने एकदम सेम दिखने वाले हैं बस अंदर माल अलग अलग है उनके अंदर ठीक है अब इसने क्या बोला कि एक व्यक्ति याद्रक्षा एक डब्बा चुनता है उसमें से यादरक्षा एक सिक्का निकालता है कोई भी याद्रक्षा मतलब रैंडमली रैंडमली कोई एक मर्जी से कोई एक डब्बा चुना मर्जी से कोई एक सिक्का निकाल डाला यहां तक कोई मंदा काम कर रहा है ऐसा कुछ यदि सिक्का सोने का है जो निकाला वो सोने का सिक्का निकल गया इतनी इंफॉर्मेशन दे दी आपको पहले कि निकाला गया सिक्का सोने का है सोने का सिक्का निकाला है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है घटना ए देखो पहले तो एक सोने का सिक्का निकाला गया एक सोने का सिक्का एक भी हटाओ आप तो लिखो सोने का सिक्का निकाला इसको घटना ए बोल दी घटना ईवन ई ये सब क्या आएंगी ध्यान से समझने की कोशिश करना अब इसको जो घटना हो चुकी है उसको एवन, ए नाम दे रहे हैं हम लोग इसने बोला है कि क्या प्रायिकता है क्या प्रायिकता है इसको देख के समझ में आता है कि ईवन ई टू थ्री क्या बनेगा क्या प्रायिकता है कि डब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है दूसरा वाला सिक्का सोने का है इस बात की क्या प्रायिकता है दूसरा भी सिक्का सोने का ही निकले इसका मतलब पहला डब्बा निकल जाए है ना मतलब इसका इनडायरेक्टली एक सिक्का तो सोने का निकल चुका है अब दूसरा भी सोने का ही निकले इसकी क्या इसका मतलब अगर उसने पहले डब्बे में से निकाला होगा तो अपने आप दूसरा सिक्का सोने का निकलेगा तभी निकल सकता है यहां तो दो चांदी के सिक्के है यहां से तो निकल ही नहीं सकता एक भी सोने का यहां से एक सोने का निकल सकता है दूसरा चांदी का निकलेगा दोनों सिक्के सोने के चाहिए इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि निकाला गया सिक्का सोने का है उसके पहले वाले डब्बे में से होने की क्या प्रायिकता है उसने ये पूछा है इनडायरेक्टली है ना इनडायरेक्टली उसने ये पूछा है और डायरेक्टली तो ये पूछा है कि पहला सिक्का सोने का है तो भाई दूसरा सिक्का भी सोने का निकले इसकी क्या प्रायिकता है मतलब पहले वाले बॉक्स में से उसने सिक्का निकाला हो इसकी क्या प्रायिकता है क्योंकि पहले में ही दोनों सने के सिक्के हैं इनडायरेक्टली उसने ये पूछा है बस इतनी सी बात समझने की थी इसमें बाकी तो वही सेम क्वेश्चन है कुछ है ही नहीं इसमें और आप लिखोगे आ, पहले डिब्बे से सिक्का निकाला वही घटना E2 E3 सब सेम पैटर्न पे चलेगी यहां पर दूसरे सिक्के से सिक, दूसरे डिब्बे से सिक्का निकाला और तीसरे डिब्बे से सिक्का निकाला ठीक है ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा E3, दूसरे डिब्बे से सिक्का निकाला तीसरे डिब्बे से सिक्का निकाला ठीक है अब यहां पर आप लिखेंगे PE1, PE2, क्यों क्योंकि फॉर्मुला ऐसा ही हो जाए फॉर्मुला दिखाता हूं मैं पी ए बाई सॉरी पी वन अपॉन ए की बात करता हूं मैं पी वन अपॉन ए क्योंकि पहला डब्बे की बात चल रही है पहला डब्बा ही चाहिए आंसर में हमारे को पहले डब्बे की ही प्रायिकता निकालने को बोला गया है तो पी वन बाई ए क्या आएगा हमारे पास ये आएगा पी ई वन पी ए बाईन डिवाइडेड बाई पीई वन पी ए वन प्लस में ई टू पी ए बाई ए टू और प्लस में ई थ्री और पी ए बाई ए थ्री ठीक है पी वन पी टू पी थ्री सब चाहिए भैया सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी तो इसको थोड़ा सा तो नीचे करना ही पड़ेगा निकाल लेते हैं फटाफट से यही निकाल देता हूँ तीन चीजें तो E e e डब्बा चुने, 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 तो कौन सा लिया जाए सब बराबर बराबर प्रायिकता से चुने गए डब्बे तो बराबर बराबर से ही दिखने वाले हैं इसने लिखा है ऊपर ही सेम टाइप के डब्बे हैं तीनों की प्रायिकता एक बटे तीन आ गई लेकिन इसमें जो ये है A by उसको थोड़ा ध्यान से निकालेंगे कितना आएगा थोड़ा ध्यान से से देखिएगा का मतलब मतलब है है पहले डिब्बे निकाला साहब मतलब पहला डिब्बा चुना गया है मोटी मोटी बात यह है उसके बाद ए घटना होने की क्या प्रायिकता है उसके बाद सोने का सिक्का निकाला गया है इस बात की क्या प्रायिकता है मतलब पहले वाले डब्बे में से सोने का सिक्का निकाला है पहले डब्बे में से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता अनुकूल बटे कुल सोने के दो ही सिक्के हैं कुल भी दो ही सिक्के हैं आंसर आएगा वन ई ई टू कितना आ जाएगा पी ए बाई टू है सेकंड वाला डब्बा चुना गया है और उसमें से सोने का सिक्का निकाला है, है ही नहीं जीरो बटे दो अनुकूल बटे कुल जीरो आंसर आ जाएगा इसका थर्ड वाला केस देखते हैं थर्ड वाला केस मतलब ये है पी ए बाई थ्री पी ए बाई थ्री आ जाएगा हमारे पास तीसरा डब्बा चुना गया है और उसमें से सोने का सिक्का निकाला है तीसरा चुना एक मतलब सोने का सिक्का निकाला अनुकूल बटे कुल एक बटे दो इसका आंसर आएगा तो पहले वाले का वैल्यू वन है दूसरे का जीरो है तीसरे का वन बाई टू है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जीरो क्यों है क्योंकि सोने का सिक्का है ही नहीं जब है ही नहीं तो प्रायिकता कहां से आ जाएगी भाई सोने का सिक्का है ही नहीं प्रायिकता आएगी कहां से कुछ भी नहीं आएगी जीरो प्रोबेबिलिटी है जीरो चांसेज है सेकेंड वाले डब्बे में सोने का निकाल लें चांदी से सोना थोड़ी निकाल दोगे भाई फिर तो चमत्कार ही हो जाएगा है ना अब वैल्यू रख करके तो काम आप भी कर सकते हो बताओ हो जाएगा क्या रख दू एक बटे तीन ए बाई ए वन ये तो वन ही है नीचे वन बाई थ्री इंटू वन वन बाई थ्री इंटू जीरो और वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू ऊपर तो चलो वन बाई थ्री इंटू वन चल रहा है नीचे से वन बाई थ्री कॉमन आ रहा है वन प्लस जीरो प्लस वन बाई टू कॉमन ले लिया मैंने तो वन बाई थ्री से वन बाई थ्री गया, ऊपर वन है नीचे थ्री बाई टू है ये रिजल्ट आ जाएगा टू बाई थ्री के इक्वल टू बाई थ्री के इक्वल ठीक है चलिए तो हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं इस तरह की कि भाई उदाहरण नंबर सत्रह के बाद में सेम पैटर्न से ही अब आगे के सारे काम होने वाले हैं फटाफट से मैं आगे वाला क्वेश्चन ले लेता हूं उम्मीद है आप लोगों को कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं लग रही होगी कैलकुलेशन दिखने में है कि बहुत बड़ा फॉर्मुला है कई सारी वैल्यूज रखनी है लेकिन आराम से चीजें बहुत इजीली सेटल हो जाती है ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन काफी ईजी कैलकुलेशन है इसकी क्लियर है यहां तक तो बात आप लोगों को कोई डाउट है यहां तक किसी को चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से नेक्स्ट है उन्नीस नंबर उदाहरण देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें ए बी और सी कुल उत्पादन का क्रमशः 25 परसेंट 35 और दो प्रतिशत है त्रुटिपूर्ण है है, मतलब। जैसे क्या अभी तक बोला है इसने? इसने बोला है कि एक कारखाना है जिसमें तीन अलग अलग मशीन है जिसमें बोल्ट बन रहे हैं नट बोल्ट नहीं होते कसने के वो बोल्ट बनाने का कारखाना है अब तीन अलग अलग मशीनें हैं किसी मशीन को दस साल पहले खरीदा था किसी को पाँच साल पहले किसी को अभी एक साल पहले ही खरीदा है तो सबकी काम करने की ताकत अलग अलग रहेगी नई नई मशीनें तो थोड़ा फास्ट करती है काम ज़्यादा प्रोडक्शन करती है एरर भी कम होती है उसमें इस टाइप से कुछ कुछ है तीन अलग अलग टाइप की मशीन् हैं मशीन ए मशीन बी मशीन सी है जो कि कुल उत्पादन का 25 परसेंट पैंतीस परसेंट और 40 परसेंट वोल्ट बनाती हैं मैं यहाँ एक सारणी बना देता हूँ और उससे क्या है कि थोड़ा सा ईजी रहेगा आप लोगों को उत्पादन कितना हो रहा है इनसे ए वाली मशीन से हो रहा है पच्चीस परसेंट उत्पादन बी वाली से हो रहा है पैंतीस परसेंट उत्पादन और सी वाली मशीन से चालीस परसेंट उत्पादन हो रहा है टोटल का टोटल का पच्चीस परसेंट बोल्ट इसमें से बन रहे हैं सो में से पैतीस परसेंट बोल्ट बी बना रहा है सो में से चालीस परसेंट बोल्ट सी मशीन से बन रहा है लेकिन इसमें एरर कितनी आ रही है त्रुटिपूर्ण क्योंकि सारे वोल्ट सही थोड़ी बनेंगे कुछ खराब भी बनेंगे उसमें से छंटते हैं जो खराब है उनको साइड करते हैं जो सही होते हैं वो पैक होकर के आगे जाते हैं सप्लाई बनती है उसकी तो त्रुटिपूर्ण कितने हैं खराब वाले बोल्ट कितने बन रहे हैं इनसे क्योंकि कुछ कुछ बोल्ट खराब बनते हैं कि ये सो बोल्ट बना रहा है तो इसमें से पांच खराब है पांच परसेंट खराब बनाता है, बी वाला जितने भी बोल्ट बना रहा है टोटल उसमें से चार परसेंट खराबी आती है ये जितने भी बोल्ट बनाता है एकदम लेटेस्ट मशीन है केवल दो परसेंट खराबी आती है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमारे को दी हुई है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है हमारे को अब इसकी हेल्प लेकर के हम लोग आगे सॉल्व करेंगे आगे पढ़ते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है ये थर्ड वाली लाइन से पढ़ते हैं बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट याद्रचा निकाला जाता है ढेर लगा हुआ है बोल्ट का पूरे दिन भर का कोई एक बोल्ट उठा दिया रैंडम और यह खराब पाया जाता है हजारों बोल्ट रखे हैं जो पूरे दिन में बने हैं कोई एक उठाया और वो त्रुटिपूर्ण पाया गया खराब पाया गया है ना वो बोल्ट खराब निकल गया इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है उल्टा पूछा है ना बोल्ट तो खराब निकल ही चुका है अब भाई उसने बनाया इसकी क्या प्रायिकता है रिवर्स पूछ लिया इसने तो वही सेम आप घटना ए बी सी किसको लिखोगे घटना ए तो लिखोगे जो घटित हो चुकी है कि भाई एक त्रुटिपूर्ण बोल्ट निकाला गया है त्रुटिपूर्ण बोल्ट निकाला गया यह तो है घटना ए घटना क्या है घटना वन है कि भाई कौन सी मशीन से निकला क्योंकि यही बोला है ना यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है इसकी प्रायिकता बताओ तो जिसकी प्रायिकता बताने को बोला जाता है उसी को वन, ई टू थ्री के फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं तो ईवन लिखोगे आप कि मशीन ए द्वारा बोल्ट बनाया गया बोल्ट बनाया गया मशीन ए द्वारा बोल्ट बनाया गया सेम वही घटना ई टू लिख दोगे आप और वही घटना ई थ्री भी लिख दोगे अकॉर्डिंगली मशीन सेकंड मशीन थर्ड तीनों मशीनों के बारे में यहां पर बातचीत करनी है ये मशीन बी है मशीन सी है ठीक है ये तीन चार हमने चीजें यहां पर कर दी हैं इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग लिखेंगे कि पी ईवन पी ईवन का मतलब क्या है अच्छा क्या निकालने को बोला है पहले तो फॉर्मूला लगा लो यार आप। हमें बोला गया है पी ई टू अपॉन ए कि यह घटना हो चुकी है खराब बोल्ट निकल चुका है वो मशीन बी द्वारा निकाला गया हो इस बात की क्या प्रायिकता है तो पीई टू बाई ए निकालने को बोला है और फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन चलें तो ये बनेगा पी ई टू इंटू पी ए बाई ए टू और डिवाइड में पी ई वन इंटू पी ए बाई ए वन प्लस में पी ई टू इंटू पी ए बाई ए टू और प्लस में पी थ्री Into टू पी ए बाई थ्री ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है अब इसके बाद में इसके बाद आप यहाँ पर वैल्यूज रखोगे वैल्यूज रखने की खैर यहाँ पर पहले निकालनी पड़ेगी तो मैं वैल्यूज निकाल देता हूँ यहाँ पर ऊपर आराम से शांति से वैल्यू वैल्यू निकालते हैं फिर रखेंगे सबसे पहले तो आप पी ई वन निकालोगे पी ईवन कितना आएगा पी ईवन का मतलब है मशीन ए द्वारा बोल्ट बनाया गया मशीन ए ने उत्पादन किया पच्चीस परसेंट चांस है इसके तो क्योंकि 25% बोल्ट मशीन ए बनाती है पी ई2 ई2 द्वारा बोल्ट बनाया गया हो मतलब मशीन बी द्वारा बोल्ट बनाया हो इसकी 35% चांस है कुल मिलाकर 35% उत्पादन मशीन बी द्वारा करती है और सी द्वारा बोल्ट बनाया गया हो पी ई3 ई3 की प्रायिकता वो 40% चांस है क्योंकि 40% बोल्ट कुल मिलाकर के ई3 बनाती है 25% का मतलब ऑबवियसली 25/100 है जिसको आप 0.25 कह सकते हो 35 का मतलब जीरो पॉइंट तीन पांच प्रायिकता के रूप में और परसेंटेज को प्रायिकता में बदलोगे जीरो पॉइंट चार जीरो हिसाब से लिखा है मैंने सेम ऐसे ही बाकी की तीन बाकी की तीन तीन चीजें चीजें मतलब P, A A कितना आएगा ए बाईन का मतलब है कि ईवन घटना तो हो चुकी है मशीन ए से बोल्ट बनाया ये पता चल गया अब वो बोल्ट त्रुटिपूर्ण निकले उसकी क्या प्रायिकता है पांच परसेंट है मशीन ए का बोल्ट त्रुटिपूर्ण निकले पी ए बाई टू का मतलब है मशीन बी का बोल्ट त्रुटिपूर्ण निकले और ए बाई थ्री का मतलब है मशीन सी का बोल्ट त्रुटिपूर्ण निकल जाए इसकी क्या प्रायिकता है तो ये जीरो पॉइंट जीरो पांच पांच बटे सौ चार बटे सौ दो बटे सौ ये इस तरह से चलेगा और फॉर्मूला ऑब्वियसली हमारे को ये हमेशा अप्लाई करना ही है सारे क्वेश्चन में फॉर्मुला तो फिक्स ही है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है वैल्यू रखो आंसर पाओ कुछ नहीं करना और दिमाग नहीं लगाना ज्यादा पीई टू ई टू का मतलब पॉइंट पैतीस गुणा पी ए बाई मतलब जीरो पॉइंट जीरो चार और डिवाइड में जीरो पॉइंट पच्चीस गुणा जीरो पॉइंट जीरो पांच जीरो पॉइंट पैंतीस गुणा जीरो पॉइंट जीरो चार जीरो पॉइंट चालीस गुणा जीरो पॉइंट जीरो दो इसको कैलकुलेट करके आगे का काम घर पे करेंगे इतना आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है अब मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आप लोगों के लिए छोड़ूंगा जो आसान आसान सी होगी है वो तो आप लोग करेंगे इसमें क्या है सिंपल मल्टीप्लाई ही तो करना है फिर डिवाइड करना है करना क्या है कर लोगे कि नहीं कर लोगे फटाफट से नीचे चैट में लिख के बताओ मेरे को तुरंत बताओ समय नहीं लगाना बिल्कुल भी हो जाएगा नहीं होगा यसोनो क्लास कब तक जाएगी बेटा साढ़े आठ पौने नौ तक जाएगी कम से कम बता रहा हूँ हो सकता है नौ भी बज जाए खत्म ही करा के छोड़ूंगा मैं बीच में नहीं उठूंगा <coughs> तो अब अब वह कह रहा है कि सर मेरे पहली बार मैथ्स में अच्छे नंबर आए हैं अच्छी बात है अभी फाइनल में भी अच्छे नंबर लेके आने हैं तब मजा आएगा चलो आगे आगे बढ़ते हैं फटाफट से आगे है, सब बच्चे कह रहे हैं कि कर लेंगे होमवर्क में तो अब बीसवा उदाहरण पे भी आ जाते हैं उदाहरण लगभग लगभग हो जाएंगे उसके बाद एक उदाहरण बचेगा जो अपन बाद में देख लेंगे पहले क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद में कराऊंगा सारे चिंता मत करना हिंट दूंगा कम से कम नहीं तो बीसवा उदाहरण है एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने के लिए जाना है एक डॉक्टर को जाना है एक पेशेंट के पास में दूर है कहीं पेशेंट दूसरे दूसरे शहर में है दूसरे राज्य में है कहीं पर पहले के अनुभवों से यह ज्ञात है कि उसके ट्रेन बस स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकताएं क्रमशः तीन बटे दस एक बटे पांच एक बटे दस और दो बटे पांच है भाई दूसरे शहर में है पेशेंट एक शहर से दूसरे शहर में जाना है उस डॉक्टर को देखने के लिए घरेलू पेशेंट है देखने जाना ही पड़ेगा सब तो उसके पुराने पहले भी गया है वो वो जा रहा है दस बार जा चुका है पहले ही पता नहीं कितनी बार जा चुका है पहले का अनुभव ये कहता है कि वो रोगी को देखने डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने ट्रेन से जाए इस बात की प्रायिकता है तीन बटे दस बस से जाए इस बात की प्रायिकता है एक बटे पांच स्कूटर से जाए इसकी प्रायिकता है एक बटे दस और किसी दूसरी गाड़ी से जाए दूसरी गाड़ी जीप कर ले या कुछ और कर ले कार से जाए जिससे भी जाए उसकी प्रायिकता दो बटे पांच है ये पुराना अनुभव कह रहा है उसका अब लेकिन डॉक्टर साहब हैं आने जाने में अब दूसरे शहर में जा रहे हैं पेशेंट को देखने यहां पर कोई जरूरी पेशेंट आ गया जाने में लेट हो जाते हैं भाई पहले उसको निपटाएंगे है ना तो पेशेंट को देखने में लेट भी हो सकता है डॉक्टर को तो ये कह रहे हैं कि यदि जैसे मैं ही लेट आता हूं क्लास में <laughs> यदि वह ट्रेन बस या स्कूटर से आता है ट्रेन बस या स्कूटर किसी और गाड़ी की बात नहीं कर रहा ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायता क्रमशः एक बटे चार एक बटे तीन और एक बटे बारह है परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसके देर नहीं होती है दूसरी गाड़ी एकदम सुपरफास्ट है एकदम गोली की तरह भागती है वो गाड़ी ऐसी गाड़ी है भाई तो ठीक है यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए सिंपल सी बात है तो भाई डॉक्टर जो है चार तरह से आ रहा है किस किस तरह से एक तो आ रहा है ट्रेन से या फिर आ रहा है बस से या फिर आ रहा है स्कूटर से और या फिर आ रहा है किसी अन्य वाहन से इन से आने की जो प्रायिकताएं हैं वो लिखी गई है इनसे आने की प्रायिकता वो है तीन बटे दस यह है एक बटे पांच थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा बटे हुए हैं मामला सारा तीन बटे दस एक बटे पांच एक बटे दस और दो बटे पांच ठीक है यह प्रायिकता है उसके बाद है आ, देरी की प्रायिकता देरी की प्रायिकता देरी होने की प्रायिकता देरी की नहीं देरी होने की प्रायिकता देरी होने की प्रायिकता एक बटे चार तो है ट्रेन से देरी होने की यही है ना ट्रेन बस या स्कूटर ट्रेन बस स्कूटर लाइन से ही है एक बटे चार एक बटे तीन प्राइक्ता है एक बटे बारह है और अगर किसी और से आता है सुपरफास्ट गाड़ी जीरो प्रोबेबिलिटी है देर से आने की ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है जो मैंने टेबल ही बना दी टेंशन ही खत्म अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सारा इंफॉर्मेशन तो टेबल में ही है यहाँ तक की इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने ये एक दो तीन चार और थोड़ी बहुत चार पॉइंट एक लाइन की इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई है अब आपने को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ लेंगे काम हो जाएगा यदि वह देर से आया ये पहले ही बता दिया कि डॉक्टर देर से आया भैया लेट तो हुआ है इसको तो घटना ए क्या है घटना ए है डॉक्टर देर से आया ये है घटना ए वही घटना E1 घटना E2 घटना E3 घटना E4 क्या होगी E1 E2 E3 E4 आपको पता है क्या होने वाली है E1 का मतलब कि भाई वो ट्रेन से आया हो बस से आया हो स्कूटर से आया हो अन्य गाड़ी से आया हो डॉक्टर ट्रेन से आया ये घटना ई वन है डॉक्टर ट्रेन की जगह अगर बस से आ गया डॉक्टर बस से आया तो घटना ई टू हो जाएगी और यही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो क्या सब जगह सेम चीज लिख दूंगा डॉक्टर ट्रेन से आया बस से आया स्कूटर से आया ई थ्री हो गया अन्य वाहन से आया अन्य वाहन से आया ये हम ई फोर घटना मान लेते हैं ठीक है अब यहां से हमारे को आ, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं एक बार इसको थोड़ा इधर कर ले क्या जगह यार बहुत कम है क्या करें वरना अपने को पेज चेंज करना पड़ेगा मैं चाहता हूँ इसी पेज पे काम हो जाए जैसा कि मैं हमेशा ही चाहता हूँ जिंदगी में हर क्वेश्चन में कोशिश यही करता हूँ मैं एक ही पेज पे निपट जाए तो जिंदगी आसान हो जाए थोड़ी सी और कोशिश अक्सर कामयाब होती है उसमें क्या बात है तो इसको भी कामयाबी की राहों पे लेके जाएंगे खिसकाएंगे लेकिन कामयाब हो नहीं पाएगी फॉर्मूला बहुत बड़ा है ऐसा लग रहा है ना ये हमने एक लाइन डाल दी अब हमारे को ये पता है कि पीईवन कितना है साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है ना पी ईवन ट्रेन से आया तीन बटे दस है ये पीई टू कितना दे रखा है पी ई टू एक बटे पाँच दे रखा है पी थ्री कितना दे रखा है पी ई थ्री एक बटे दस दे रखा है पी फोर कितना दे रखा है ई फोर अन्य गाड़ी से आए दो बट डायरेक्ट प्रायिकता दे रखी है अपने को मेहनत नहीं करनी क्वेश्चन ही इतना सिंपल है बस लिखने की मेहनत है और कुछ नहीं है ए बाईन ई वन घटना हो चुकी है ए के होने की क्या प्रायिकता है डॉक्टर ट्रेन से आ चुका है डॉक्टर देर से आया इसकी क्या प्रायिकता है एक बटे चार सीधा बना बनाया दे रखा है सोचने की जरूरत है ही नहीं ए बाई ई टू का मतलब है एक बटे तीन ए बाई ई थ्री का मतलब है एक बटे बारह और ए बाई ई फोर का मतलब है ए बाई ई फोर का मतलब है जीरो ठीक है ये जीरो हो गया तो ये इस तरह से वैल्यूज वगैरह दे रखी हैं। हमें निकालना है किससे उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ट्रेन मतलब पहला नंबर P E1 वन अपॉन ए क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मुला बन जाएगा E1 P A by E1 और नीचे चार लोग हैं P E1 P A ए बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ए बाई और इसी तरह से बाकी के दो लोग और लगा देना कर लोगे क्या इसको होमवर्क में मुझे ये बताओ मेन चीज तो बता दी मैंने बाकी का काम आप घर पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तुरंत नीचे लिख करके बताओ ताकि मैं आगे बढ़ू फटाफट से बताओ समझ में आ रहा होगा तो करी लोगे मुझे लगता है ऐसी कोई बात ही नहीं है यहां तक समझ में आ रहा है क्या सौरभ कह रहे हैं मेरा आज डेटा खर्च हो गया मैं ज्यादा देर तक नहीं देख पाऊंगा चलो कोई बात नहीं जितना देखो उतना देखो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं नहीं है यूपी बोर्ड में तेरह पॉइंट चार तेरह पॉइंट पांच नहीं है पढ़ लो अभी शांति से चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है खुद से कर लोगे बहुत बढ़िया नेक्स्ट अब हम बुक के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं तीसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं सेकंड नंबर अपन ने कर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा है करवा दूंगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन और एक आधा एक्जाम्पल और बचा है कर लेंगे उसको सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या करे एक ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60 परसेंट छात्रावास में रहते हैं और 40 परसेंट छात्रावास में नहीं रहते हैं पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से तीस और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में से बीस छात्रों ने ए ग्रेड लिया मतलब जो बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं उनमें ज्यादा बच्चों के ए ग्रेड आ रही है जो छात्रावास में नहीं रह रहे हैं उनमें से कम बच्चों के ए ग्रेड आ रही है कम बच्चे हैं पढ़ने वाले छात्रावास वाले बच्चे पढ़ने वाले हैं मतलब वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादरक्षा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है तो दो तरह के बच्चे हैं एक तो बच्चे हैं छात्रावास छात्रावास में रहने वाले एक है छात्रावास में नहीं रहने वाले दो तरह के बच्चे हैं ठीक है कितने कितने परसेंट बच्चे हैं छात्रावास में रहने वाले आ, संख्या कितनी है इनकी छात्रावास में रहने वाले साठ परसेंट जनसंख्या है और छात्रावास में नहीं रहने वाले चालीस परसेंट बच्चे हैं कम बच्चे हैं जो छात्रावास में नहीं रह रहे हैं ज्यादातर छात्रावास में रह रहे हैं और ए ग्रेड लाने की प्रायिकता ए ग्रेड लाने की या ए ग्रेड ए ग्रेड ही बहुत है ए ग्रेड कितने बच्चों की आ रही है ए ग्रेड आ रही है तीस परसेंट बच्चों के इधर केवल बीस परसेंट बच्चों के ए ग्रेड आ रही है इतना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को पहले से ही यह पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने साइड में लिख दिया हमने आसान बना दिया क्वेश्चन को थोड़ा साइड में करके आगे क्या बोला इसने इसने बोला है वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को याद्रे चुना गया है और यह पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है ये घटना ए है कि एक बच्चे को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है घटना ए है छात्र को ए ग्रेड प्राप्त हुआ यह है घटना ए और घटना अब ईवन ई टू क्या आएगी जो पूछा गया है उसके हिसाब से आएगी इस बात की क्या प्रायिकता है इससे ईवन ई टू पता चलेगा कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है तो छात्र छात्रावास में रहता है इस बात यह घटना ई वन और छात्र छात्रावास में नहीं रहता है यह है घटना ई टू सिंपल सी बात है दो घटनाएं हो गई हैं नहीं रहता है इसको आप नीचे ले लो इस तरफ ले लो इसको हमें क्या निकालना है हमें निकालना है ईवन छात्रावास में रहने वाला हिसाब किताब तो पी ई अपॉन में ए क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि आएगा पी ई वन पी ए बाई और पी ई e, ये सेम चीज तो एज इट इज पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ए बाई टू ये हमने यहाँ लिख दिया है इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं तो पी ई वन क्वेश्चन में दे रखा है साठ परसेंट छात्रावास में रहने वाले लोग जीरो पॉइंट छः जीरो e पी ई टू छात्रावास में नहीं रहने वाले लोग चालीस परसेंट ही हैं जीरो पॉइंट फोर जीरो या फोर रहने दो तो, जीरो भी क्यों लगाएं फालतू पॉइंट के बाद तो उसके बाद सेम वही पी ए बाई ई वन ए बाई ईवन का मतलब ईवन हो चुकी है छात्र छात्रावास में रहता है अब उसके ए ग्रेड आई है छात्रावास में रहने वाले के ए ग्रेड आने के चांसेस तीस परसेंट है तीस परसेंट मतलब जीरो पॉइंट तीस और पी ए बाई ई टू छात्रावास में नहीं रहता है फिर भी ए ग्रेड आई है बीस परसेंट चांस है जीरो पॉइंट दो जितना सिस्टमेटिक मैं लिख करके बता रहा हूँ ना आपको जितना सिस्टमेटिक ये टेबल तो दुनिया में कोई नहीं बनाता टेबल तो बनाई ही मैंने ये मान के चलना <laughs> कोई नहीं बताएगा आपको टेबल बनाने के तो तरीके का बाकी अपन टेबल बना के इतना सिस्टमेटिक कर रहे हैं ना एग्जामिनर के आंख में आंसू आ देने आपकी कॉपी देख करके ये मान लेना आप तो <laughs> वो एग्जामिनर भी बोलेगा मेरा छात्र मेरा छात्र ऐसे बोलेगा वो एग्जामिनर है <laughs> खैर यहाँ वैल्यू रख देना आंसर आ जाएगा आगे का काम आप लोग जानते हो कैसे करना है बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं लल्लू पंजू टंजू गंजू इस टाइप के क्वेश्चन हैं और मुझे उम्मीद है आप सब लोग शुरू से लेके लास्ट तक जमे रहोगे और बढ़िया से पढ़ते रहोगे यार अभी तो डेढ़ घंटा हुआ है मुश्किल से डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ शायद पूरा तो सवा घंटा हुआ है अभी तो यार क्या है दो तीन घंटे तीन घंटे की कैपेसिटी तो सबकी है मुझे ऐसा लगता है तीन घंटे तक तो वैसे ही बैठ जाओगे अब आप काफ़ी प्राइवे आपके वन शॉट चल ही रहे हैं और वैसे भी जो मैथ्स का नेक्स्ट वन शॉट आ रहा है वो तो आपको पता है कितना बड़ा होता है कितना ताबड़तोड़ वाला वन शॉट है वो सबको पता है वो वन शॉट है किसका फिफ्थ चैप्टर का भारी चैप्टर बड़ा चैप्टर तो भाई उसके तो चार पाँच घंटे तक जा ही सकता है वन शॉट उसकी हिम्मत जुटानी है तो इस वाले में तो बैठना ही पड़ेगा सर नहीं तो कैसे जुटेगी हिम्मत सही है चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन सारे इजी हैं आप लोगों को बस ये पहचानना है कि घटना ए किसको बोले ई वन किसको बोले ई टू किस बोले यह सब पहचानना है बस और कुछ नहीं है इसने बोला एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है बहुविकल्पी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब या तो वो आंसर जानता है या नहीं जानता है है ना या तो आंसर जानता है जानता है तो सही आंसर लगा ही देगा फिर तो सही है या फिर वह अनुमान लगाता है तुक्का नहीं जानते तो थो छोड़ेंगे थोड़ी तुक्का तो थो लगाएंगे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुक्का लगाना तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो वो तो लगाएंगे हम लोग मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता तीन बटे चार है और अनुमान लगाने की प्रायिकता एक बटे चार है मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता एक बटे चार है देखो दो काम हो रहा है छात्र के सामने क्वेश्चन आया अब या तो उत्तर जानता है या फिर अनुमान लगाता है या तो उत्तर जानता है या फिर अनुमान लगाता है है ना अब या तो उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है इसके बाद आप लिखोगे कि जानने की प्रायिकता और अनुमान लगाने की प्रायिकता दे रखी है सिंपल जो प्रायिकता है वो दे रखी है कितनी उत्तर जानता है इसकी प्रायिकता तो तीन बटे चार है अनुमान लगाता है इसकी एक बटे चार है सिंपल सी बात है अब उत्तर जान, अब इसने बोला सेकंड नंबर में छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की ये सही उत्तर की प्रायिकता सही उत्तर की प्रायिकता का एक और कॉलम बनेगा साहब सही उत्तर देने की क्या प्रायिकता है जब बंदा उत्तर जानता ही है तो फिर तो सही उत्तर देने की प्रायिकता एक हो जाएगी कि नहीं यही इस क्वेश्चन का खास बात है इसने केवल यह बोला है कि उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता क्योंकि अंदाजा ही लगा रहा है तुक्का लगा रहा है तुक्के के सही निकलने की प्रोबेबिलिटी है वन बाई फोर लेकिन अगर तुक्का नहीं लगा रहा उत्तर वो जानता है सो परसेंट उसको यकीन है तो फिर तो सही उत्तर ही है ना वो गलत क्यों लिखेगा जान करके तो अगर उत्तर जानता है तो सही उत्तर की प्रायिकता एक है लेकिन अगर अनुमान लगाता है तुक्का लगा रहा है तो सही उत्तर की प्रायिकता एक बटे चार है चार ऑप्शन में से कोई एक सही होने की संभावना रहती है तो उस हिसाब से ये डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारणी आप ना भी बनाओगे तो चलेगा बना दोगे तो भी अच्छा है नहीं बनाओगे तो कोई नंबर नहीं घटने वाले आपके ये तो सहूलियत के लिए बना रहा हूं मैं कि आपको भी अच्छे समझ में आए और काम भी हो जाए ये खास था ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था ये हमने अपनी मर्जी से यहां वन लगाया है क्योंकि अगर उत्तर जानता है तो सही उत्तर है फिर तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन है सो परसेंट सही आंसर है बात ही खत्म हो गई उसकी तो है ना तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है कि आ, इस बात की क्या प्रायिकता है जिसकी प्रायिकता पूछे उसको e1 e2 के रूप में लिखते हैं हम लोग इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है या फिर यह दिया हुआ है आपको कि उसने सही उत्तर दिया है जो चीज दे रखी है उसको घटना ए बोलोगे आप तो घटना ए क्या हो जाएगा छात्र ने सही उत्तर दिया सही उत्तर दिया ये हमारी घटना ए हो गई घटना वन क्या हो जाएगी आप शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना यहां घटना घटना बार बार नहीं लगा रहा आप लोग लगा लेना यार अब थोड़ा शॉर्ट में चल ले तो काफी बड़ा है क्योंकि पूरा एक्सरसाइज ही घटना वन है कि किसकी पूछिए प्रायिकता कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है इसकी पूछी पूछिए तो छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है इसकी प्रायिकता पूछी है उसने तो ई टू हम लोग क्या लिखेंगे छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है नहीं जानता है ठीक है ए वन और ई टू ये आ गया हमारे पास में अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का तरीका ये यह है यहां से पी ई वन और पी ई टू साफ साफ दे रखे हैं यार है पी ई वन यह पी ई टू यह पी ए ये यह पी ए बाई टू और आपको क्वेश्चन में पूछा है पीईवन बाई ए पीईवन बाई ए वही फॉर्मूला पी ईवन पी ए बाईन पी ए बाईव और पीई टू पी ए बाईटू बड़ा जोर आता है इसको फॉर्मूला लिखने में यार <laughs> तो यहां से ये 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 रहा है 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 वही उत्तर जानता है अनुमान लगाता है उत्तर नहीं जानता है नहीं जानता है तभी तो अनुमान लगाता है ना और पी ए का मतलब है है घटना हो चुकी है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है अब सही उत्तर की प्रायिकता एक है छात्र अनुमान लगाता है तो सही उत्तर की प्रायिकता एक बट जा रहा है सब तो एक क्या करें आराम से हो गए तो बताओ फटाफट से होगा कि नहीं होगा तुरंत प्रभाव से बताइए नीचे चैट में लिख करके कि होगा या ना हो पाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आंसर तो आप लोग कर लेना घर पे फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं निशांत ने आंसर लिख दिया है अच्छी बात है तो बाकी करते हैं अपन मुस्कान बेटा साढ़े आठ तो मान ही लो आप डेढ़ घंटे और चलेगी क्लास क्योंकि अभी थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे आगे है ना मत जाओ मत जाओ वैभव मत जाओ अब क्या करोगे स्कूल जाकर के वेक्टर का वन शॉट कीजिएगा सर बेटा सबके वन शॉट कराऊंगा चिंता मत करो आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल तो छठा क्वेश्चन देखिए तीन सिक्के दिए गए हैं साहब एक सिक्के के दोनों तरफ चित्त है बड़ा स्मार्ट सिक्का है यही होना चाहिए अपने हाथ में तो क्या लोगे साहब चित्त लेंगे ये लो दोनों तरफ चित्ती है टेंशन ही नहीं है दोनों और दोनों और ही आएगा दोनों और चित्त है चित्ती है दूसरा सिक्का है वो अभिनत है जिसमें पिछहत्तर परसेंट बार तो चित्त आता है उसमें और पच्चीस परसेंट बार पट आता है मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ होगा सिक्का ऐसा कंडीशन में होगा कि बार बार चित्त ज्यादा आता है पिछहतर परसेंट केस में चित्त आता है और तीनों में से और तीसरा है अनभिनत अनभिनत मतलब एकदम सही सिक्का है अनभिनत मतलब सही सिक्का ईमानदार वाला अभिनत मतलब खराब सिक्का है बेकार वाला है ठीक है चलिए अब तीन तरह के सिक्के हो गए सिक्का वन सिक्का वन सिक्के वन का हिसाब किताब है दोनों तरफ चित्त है सिक्का टू जो है सिक्का टू जो है उसके चित्त जो है पिछहत्तर परसेंट आता है तो जाहिर सी बात है जो पट आएगा वो पच्चीस परसेंट ही आएगा और जो सिक्का थ्री है वो एकदम बढ़िया सिक्का है चित्त आने की प्रायिकता भी पचास परसेंट और पट भी पचास परसेंट ठीक है, चलिए अब हमें क्या बोला गया है कि तीनों में से कोई एक सिक्के को यादरक्षा चुना गया तीन सिक्के सामने रखे थे कोई एक को चुना उसमें से और उसको उछाला यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो दे दिया ये चीज तो कि सिक्के पर चित्त आ चुका है तो घटना ए तो बोलोगे आप सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ ये तो है घटना ए E1 घटना क्या है कि क्या प्रायिकता है कि वह दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का है मतलब सिक्के पर चित्त आ चुका है अब बताओ कि वह पहला सिक्का इस बात की क्या प्रायिकता है क्योंकि पहले वाले सिक्के में दोनों तरफ चित्त है इनडायरेक्टली उसने यह पूछा है तो ई घटना है कि पहला सिक्का उछाला इसी बात की प्रायिकता चाहिए दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का हो पहला सिक्का ही है वो ई टू घटना है दूसरा सिक्का उछाला और ए थ्री है तीसरा सिक्का उछाला सिंपल सी बात है उसमें क्या बात है सिस्टमैटिक लिखना आप लोग मैंने शुरू के सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक ही कराए हैं आप लोगों तो को तो उस तरह से ही लिखना है एग्जाम में अभी तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी कंप्लीट हो जाए टॉपिक ताकि आप लोग भी जल्दी फ्री हो जाओ घर पे प्रैक्टिस करो आराम से तो भाई ये हिसाब किताब क्वेश्चन में दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा क्या है पीई वन बाई ए पूछा है कि घटना हो चुकी है सिक्के पर आ चुका है अब पहला सिक्का उछाला हो इस बात की क्या प्रायिकता है तभी तो दोनों चित्त वाला सिक्का पूछा है ना दोनों चित्त वाला सिक्का मतलब पहला सिक्का उछाला इस बात की क्या प्रायिकता है तो वो आएगा पीई वन पी ए बाईन सॉरी P वन पी ए बाईन प्लस पीई टू और पी ए बाई टू यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या हैं वही सेम पी ई वन निकालोगे पहला सिक्का उछाला इस बात की क्या प्रायिकता है सारे सिक्कों की प्रायिकता बराबर है पी ई वन निकालो पी ई टू निकालो पी ई थ्री निकालो तीनों सिक्के सामने रखे हैं सबके प्रायिकता वन बाई थ्री ही आने वाली है तीनों बराबर बराबर टाइप के सिक्के हैं तीनों सिक्के हैं कोई भी उछाल सकते हैं ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं कोई सा भी सिक्का हो सकता है सब अब पी ए बाईन बताओ आप तो ए बाईव का मतलब है ईवन घटना हो चुकी है पहला सिक्का उछाला है अब सिक्के पे चित प्रकट हो इस बात की क्या प्रायिकता है पहले सिक्के पे चित प्रकट होने की प्रायिकता 1 क्योंकि दोनों तरफ चित है <laughs> 100% चित ही आता है उस पे तो सोचने की बात ही नहीं है सेम ऐसे ही अगर आप PA/E2 निकालेंगे तो A/E2 का मतलब है E2 घटना हो चुकी है दूसरा सिक्का उछाला है अब सिक्के पे चित प्रकट हो 75% केस में होता है सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब पिछहत्तर बटे सौ मतलब आप चाहो तो, इसको मिल लो, चाहो तो इसको तीन बटे चार लिख लो पच्चीस के पारे से काट के जो आपको ठीक लगे उसके बाद वही पी ए जाएगा कि भैया ई थ्री घटना हो चुकी है तीसरा सिक्का उछाला है अब सिक्के पर चित्र प्रकट हो इसकी क्या प्रायिकता है पचास परसेंट प्रायिकता है पचास तो परसेंट मतलब पचास बटे सौ जिसका मतलब एक बटे दो सबके आंसर आ चुके हैं सारे वैल्यूज यहाँ पर रखिए और आंसर निकाल लीजिए क्या ही फर्क पड़ना है आराम से आएगा हो जाएगा क्या मैं वैल्यू रखने वाला काम नहीं कर रहा हूँ फॉर्मले में वैल्यू रखने वाला काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ होमवर्क में इतना काम तो मेरे ख्याल से आप लोगों को करना ही चाहिए फटाफट से नीचे चैट में लिख के बताओ आप लोगों से हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा काम और जिसने लाइक नहीं किया है पहले तो लाइक कर लो वीडियो को ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है पांचवा क्वेश्चन छूट गया है बीच में जानकर के छोड़ा गया है वो अभी एक खास उदाहरण के साथ में आगे लिया जाएगा वो सबसे ताकतवर क्वेश्चन तेरह पॉइंट तीन का जो है वो पांचवा क्वेश्चन और एक शायद अट्ठारवा उदाहरण है वो वही है सबसे ताकतवर वही है उसको अभी छोड़ा है वो लास्ट में लूंगा मैं है ना बहुत शानदार क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन में वही बात है आप पढ़ करके ए वन ई टू थ्री निकाल पा रहे हो कि नहीं उतनी बात है बस उसमें बाकी तो आंसर आ ही जाता है बाकी क्या है चलिए खैर सातवां क्वेश्चन है एक बीमा कंपनी दो हजार स्कूटर चालकों चार हजार कार चालकों और छह हजार ट्रक चालकों का बीमा करती है बहुत अच्छी बात है दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः इतनी इतनी और इतनी है कौमा लगेगा यार बीमाकृत व्यक्तियों में से मतलब चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है देखो सिंपल सी बात यह है कि बीमा कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 तो स्कूटर वालों के इंश्योरेंस कर दिए उसने 4000 कार के इंश्योरेंस कर दिए और 6000 ट्रक वालों के उसने इंश्योरेंस कर दिए हैं ठीक है और जो एक्सीडेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी है स्कूटर वालों की तो जीरो पॉइंट जीरो एक कार वालों की जीरो पॉइंट जीरो तीन और ट्रक वालों की जीरो पॉइंट पंद्रह प्रोबेबिलिटी ट्रक के एक्सीडेंट की ज्यादा चांस है तो बीमाकृत व्यक्तियों मतलब चालकों में से एक कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया स्कूटर कार या ट्रक में से कोई एक एक्सीडेंट हो चुका है एक उस ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है क्या दे रखी है घटना ए कि चालकों में से चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया चालक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया ईवन घटना क्या है कि उस व्यक्ति के इस स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है आ, व्यक्ति जो है स्कूटर चालक है यही हो जाएगी इवन घटना व्यक्ति स्कूटर चालक है इस बात की तो प्रायिकता निकालनी है सेम ऐसे ही दूसरा वाली घटना हो जाएगी व्यक्ति आ, कार चालक है कार का ड्राइवर है और तीसरा हो जाएगा व्यक्ति जो है ट्रक चालक है ट्रक चालक है यह है ई टू घटना और यह है हमारी ई थ्री घटना यह इस तरह से हिसाब किताब दे रखा है सारे आंसर आराम से निकल जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन है पूछा क्या गया, है? गया है, पी ई वन बाई ए A घटना हो चुकी है दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है व्यक्ति स्कूटर का चालक है इस बात की क्या प्रायिकता है स्कूटर वाली बात पूछी गई है सिंपल सी बात यह है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा पीई वन और पी ए बाईन रट जाएगा आप लोगों को इतनी बार लिखोगे खुद ही पी ई वन पी ए बाई और प्लस में पीई टू और पी ए बाई ए टू क्लियर है यहां तक चलिए तो पी ईवन पी ईवन कितना आएगा पी ईवन है व्यक्ति स्कूटर चालक है स्कूटर चालक होने की प्रायिकता अनुकूल 2000 कुल दो हजार प्लस चार प्लस हजार प्लस छह हजार बारह हजार अनुकूल बटे कुल के हिसाब से एक बटे छह आ गया ये सेम ऐसे पी ई टू निकल जाएगा पी ई टू कितना आएगा चार हजार बटे बारह हजार चार ठिया बारह एक बटे तीन आ जाएगा ये और पी ई थ्री कितना आ जाएगा इसी तरीके से ट्रक वाला छे हजार बटे बारह हजार ये एक बटे दो आ जाएगा यहां से अब यहां से तीनों चीजें आ चुकी है बात है कि ए e1 ए बाई टू ए बाई थ्री कितना आएगा वो भी आराम से आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं उसमें भी मैं बता देता हूँ कैसे आएगा ये तो चलो फॉर्मला ये तो लगाओगे आप पी ए e1 दे रखा है डायरेक्ट ए e1 का मतलब ईवन घटना हो चुकी है व्यक्ति स्कूटर चालक है अब एक घटना होने की क्या प्रायिकता है व्यक्ति स्कूटर चालक है अब चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया इसकी क्या है, है। दुर्घटनाओं की प्रायता जीरो बाई भी दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो तीन और पी ए बाई थ्री भी दे रखा है जीरो पॉइंट पंद्रह मान रखना है खाली और कुछ नहीं है बताओ मुश्किल कहां लग रही है आपको यह बताओ मेरे को कहीं भी मुश्किल लगा क्या आप लोगों को कुछ भी यहां पर मुश्किल लगा क्या बताओ कहीं भी मुश्किल लगा हो तो चलिए प्रिंशु मौर्य कह रहे सर मुझे कोर्स खरीदना है बेटा जो स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं ना उन पे फोन करके आप बात कर लो वो बता देंगे आपको कैसे लेना है या फिर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से कर लो है ना अग्रवाल नमन क्या पता यार क्या करें कोई इलाज नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना अभी क्लास में लेट आ रहे हैं वो थोड़ा वीडियो को शुरू से देखना वरना समझ नहीं आएगा है ना वीडियो को देखना तो स्टार्टिंग से ये ध्यान रखना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आठवा क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है ये तो सेम क्वेश्चन आ गया यार ये अपन ने किया ना कारखाने वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था ना कौन सा क्वेश्चन था ये कारखाने वाला ये था क्वेश्चन उदाहरण नंबर उन्नीस बोल्ट बनाने वाला कारखाना था तीन मशीनें थी कुछ खराब उत्पादन भी हो रहा था उदाहरण नंबर उन्नीस की तरह है एकदम सेम जो अभी क्वेश्चन आया है ना एकदम सेम है उदाहरण नंबर, तो तो नंबर 19। कारखाने में होमवर्क देने की स्थिति में आ गए हैं अपन आप लोग कर सकते हो आराम से घर पे होमवर्क इसको घर पे देखना आराम से सेम, तो सेम है, डिटो कोई डिफरेंस ही नहीं है एकदम फर्जी क्वेश्चन नेक्स्ट है नौ नंबर क्वेश्चन है दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। मतलब दो गुट है दो हैं दो पार्टियां हैं जी इलेक्शन वाली पार्टियां हैं दो अलग अलग उनको इलेक्शन जीतना है पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः जीरो पॉइंट छह जीरो पॉइंट चार है इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है भाई ऐसा होता है ना दो अलग-अलग दल हैं दोनों की सोच अलग-अलग है पहला वाला ऐसा है कि वो आते ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो कुछ नया निकाल देता है तो पहले वाले के कुछ नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता 0.7 है दूसरा वाला नए उत्पाद पे काम नहीं करता पुरानेओं पे ज्यादा करता है तो दूसरे दल के संगत प्रायिकता जीरो पॉइंट तीन है नया उत्पाद लाने की प्रायिकता इसकी जीरो पॉइंट तीन है दूसरे वाले दल की तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था इसकी प्रायिकता निकालनी है मतलब नया उत्पाद तो प्रारंभ किया है यह तो तय बात है तो यह घटना ए है कि नया उत्पाद प्रारंभ किया गया यह तो घटना ए है अब इवन घटना है कि इवन घटना है कि पहला दल जीता पहला दल जीता और टू घटना आ जाएगी दूसरा दल जीता सिंपल दूसरा दल जीता है ना इवन घटना पहला दल जीता जी टू घटना दूसरा दल जीता यह पूछ रहा है कि दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया नया उत्पाद इसकी प्रायिकता दूसरे दल द्वारा उत्पाद प्रारंभ किया गया तो बेसिकली ये ये पूछना चाह रहा है है का मतलब क्या घटना हो चुकी है नया उत्पाद तो प्रारंभ हो चुका है अब E2 कि दूसरा दल जीता हो इसकी क्या प्रायिकता है दूसरा दल जीतेगा तभी तो नया उत्पाद लाएगा ना वो तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया है मतलब नया उत्पाद आ चुका है अब दूसरा वाला जीता हो दूसरे वाले ने वो नया उत्पाद दिया होगा इसकी क्या प्रायिकता है तो दूसरा वाला जीता होगा तभी नया उत्पाद दिया होगा तो पीई टू बाई ए पूछा है बेसिकली इसने और ये आप लोगों को पता है फॉर्मूले के हिसाब से क्या आता है पीई टू पी ए बाईटू पीई वन पी ए बाईन प्लस में पीई टू पी ए, बाई ए टू। ये हमने यहां पर लिख दिया वैल्यूज वगैरह देख लेते हैं इनकी क्या आने वाली है एक बार वैल्यू लिख के बताओ मेरे को कितनी आएगी फटाफट से आप लोग लिख के बताओ पी ई वन कितना आएगा पी ई टू कितना आएगा पी ए बाईन कितना आएगा पी ए बाई टू कितना आएगा ये आप बताओ फटाफट से क्वेश्चन में दे रखा है काफी कुछ तो पी ई वन का मतलब पहला दल जीते इस बात की क्या प्रायिकता है पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता जीरो पॉइंट छह जीरो पॉइंट चार है बताओ है मुश्किल <laughs> P, का मतलब है कि पहला दल जीता और फिर उसके बाद एक घटना घटी नया उत्पाद प्रारंभ हुआ तो पहला दल जीतने के बाद नया उत्पाद प्रारंभ करे इसकी प्रायिकता जीरो पॉइंट सात दे रखी है और दूसरे वाले के नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता जीरो पॉइंट तीन दे रखी है डायरेक्ट सब कुछ दे रखा है सीधा मान रखो आंसर लाओ करना क्या है यार बताओ मेरे को है क्या मुश्किल इतने आसान प्रश्न दिए हुए हैं फटाफट से नोट करो इसको तुरंत प्रभाव से नोट करो और नीचे चैट में लिख के मैं आपको आधा मिनट दे रहा हूं ब्रेक ताकि इसको डाइजेस्ट कर लो आप हजम कर लो उसके लिए आधे मिनट का मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं बीस तीस सेकंड का समय दे रहा हूं शांति से इसको देखो और इसको डाइजेस्ट कर लो शांति से समझ लो हाँ तो बच्चों क्लियर है यहां तक सब कुछ आगे बढ़े चलिए हो गया बहुत बढ़िया नेक्स्ट दसवां प्रश्न दसवां प्रश्न क्या कह रहे हैं देखते हैं मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है एक पासा है हाथ में उसको उछाल दिया एक पासा उछालती है यदि उसे पांच या छह की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को तीन बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट करती है देखो क्या स्थिति है थोड़ा ध्यान देना है पड़ेगा इसमें है ना एक लड़की है पासा उछाल रही है एक पासा को उछाला एक पासे को उछालने पर दो स्थितियां क्रिएट करी भाई पासे को उछालने पर या तो वन टू थ्री या फोर में से कुछ आएगा है ना या फिर फाइव और सिक्स में से कुछ आएगा यही होगा वन टू थ्री फोर आए तो कुछ खास काम कर रही है वो फाइव सिक्स आए तो कुछ खास काम कर रही है इसलिए दो ही कैटेगरी में बांटा है मैंने इसमें छह कैटेगरी क्योंकि इन इन चारों में सेम काम कर रही है, इन दोनों में सेम सेम काम काम कर कर रही रही है दोनों वो इसने लिखा है यदि उसे पांच या छह की संख्या प्राप्त होती है तो वो एक सिक्के को तीन बार उछालती है एक सिक्के को तीन बार उछालेगी और आठ परिणाम आ जाएंगे एच 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 एच, एच, एच फिर टेल 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 फिर एच एच टेल टेल एच एच और टेल टेल फिर एच टेल एच टी एच टी एच टी ये आठ परिणाम आ जाते हैं जब पांच और संख्या मिलती है तब उस केस की बात है और अगर एक दो तीन या चार की संख्या प्राप्त होती है तो वो एक सिक्के को एक बार ही उछालती है ऐसी स्थिति में केवल एक बार उछालेगी हेड या फिर टेल में से कुछ आएगा दो ही ऑप्शन है तो ये नोट कर लेती हैं कि उस पर चित्त आया पट प्र, प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ सब नोट डाउन कर लिया उसने यहां तक की कहानी तो ये दे रखी है यहां तक तो इसने ये लिखा हुआ है कि एक लड़की है उसने पासा फेंका है पासे पे एक आ जाए या दो आ जाए या तीन आ जाए या चार आ जाए इन चारों केस में वो तो एक पास एक सिक्के उछालती है अब सिक्के को उछालेगी तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा वहां पे रुक जाती है फिर नोट कर लेती है क्या हिसाब किताब हुआ साहब हेड आया आया टेल जो भी हुआ अगर पासे पे पास आ गया या आ गया तो फिर वो तीन सिक्के को एक साथ उछाल देती है तीन सिक्कों को एक साथ उछालती है तीन सिक्कों को उछालने पर ये आठ परिणाम बनते हैं जो यहां पर है अब आगे क्या यहां तक की कहानी तो यही है यदि उसे ठीक एक चित्र प्राप्त होता है केवल एक ही चित्त मिला है उसको उसने क्या किया चित्त या पट प्राप्त हुए उसको नोट कर लेती है ना ये अब उसने नोट कर लिया कितने चित्र प्राप्त हुए कितने पट प्राप्त हुए एक दो तीन चार आने के बाद कितने चित्त कितने पट आए पांच और छह आने के बाद उछालने पर कितने चित्र कितने पट आए सब नोट कर लिया उसने क्वेश्चन में दिया है उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है घटना ए क्या है ठीक एक चित्त घटना ए है एक चित प्राप्त हुआ ये घटना ए है घटना E1 क्या मानेंगे हम लोग शॉर्ट में यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाला गए पासे पर एक दो तीन या चार प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है दो संभावनाएं है या तो एक दो तीन चार आया होगा या फिर पांच और छह आया होगा दो ही घटनाएं हैं इसमें भी चित्त सकता है इसमें भी एक चित्त एक चित्त तो है ही ना इस वाले में एक चित्त है इस वाले में एक चित्त है इस वाले में एक चित्त है इन तीन केस में एक ही चित्त है तो यहां पर ईवन घटना क्या है कि पासे पर एक दो तीन या चार प्रकट हो और E2 घटना है पासे पर पांच या प्रकट हो ठीक है हमें हाँ चीज तो पता है कि हमेशा अपने को एक तो पीई वन e निकालना पड़ता है पीई टू e निकालना पड़ता है है। का मतलब क्या है? पासे पर एक, तो तीन, चार, प्रकट हो, तो चार बटे वो दो बटे तीन आ जाएगा पीई वन e भाई पासे पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कुछ आएगा और वन टू थ्री फोर की प्रोबेबिलिटी चार बटे छे अनुकूल बटे कुल उसके बाद पीई टू -E का मतलब है पासे पर पांच या प्रकट हो पांच या छह का मतलब दो है अनुकूल कुल मिलाकर के छह लोग हैं आंसर आएगा एक बटे तीन ये आ गया पी ई टू अब बात करते हैं पी ए बाईव की पी ए बाईन है ईवन e घटना हो चुकी है पासे पर वन टू थ्री या फोर आ चुका है अब एक घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है अब उस पर एक चित्र प्राप्त हो इसकी क्या प्रायिकता है अगर वन टू थ्री फोर आ चुका है तो इसका मतलब या तो हेड या टेल आएगा एक सिक्का उछाला है एक सिक्के को उछालने पर फिर एक चित्र दो है सिंपल सी बात है दो तो है कुल और हेड चाहिए एक केस चाहिए ऐसे ही पी ए बाई ए टू का मतलब है ई टू घटना घटित हो चुकी है पासे पर पांच या चुका है अब उसके सिक्के को उछालने पर एक चित्ता है इसकी क्या प्रायिकता है भाई टोटल आठ केस बन सकते हैं उसमें से तीन में एक चित्त है तो अनुकूल बटे कुल के हिसाब से तीन बटे आठ इसका आंसर आएगा इधर एक बटे दो अनुकूल बटे कुल इधर अनुकूल बटे कुल उसके हिसाब से तीन बटे आठ आएगा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में पी वन बाई ए पूछा गया है वो निकाल दो शांति से फॉर्मूला लग जाएगा यही सब वैल्यूज इसमें काम आएंगी कोई बड़ी बात है ही नहीं सिंपल मामला है एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें ठीक है देख लीजिए कहीं पे कुछ आपको लगे कि यार गड़बड़ है तो बता दीजिए एक घंटे में कंप्लीट कर लेंगे टेंशन वाली बात नहीं है घंटे भर की बात है और कुछ नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट पर आते हैं फटाफट से सेल्फ स्टडी प्लीज बता दीजिए कितनी देर बेटा जितनी देर आपकी बस की हो उतनी देर करो सेल्फ स्टडी मैं क्या बताऊंगा इसमें बताओ ये भी सेम ही क्वेश्चन आ गया वही मशीन है ए बी सी तीन तरह की मशीन है मशीन ए जो है एक परसेंट खराब सामग्री उत्पादित करती है मशीन बी और सी पाँच परसेंट सात परसेंट खराब उत्पादित करती है और मशीन ए का कुल समय पचास परसेंट लग रहा है वही उदाहरण नंबर उन्नीस की तरह ही है मैं हिंट दे देता हूँ बस वो आप लोग कर लेना बाकी का उदाहरण नंबर उन्नीस की तरह है ये वाला मशीन ए का आ गया पचास परसेंट मशीन बी का है तीस परसेंट और मशीन सी का हिसाब किताब चल रहा है अपना बीस परसेंट ट्वेंटी परसेंट उत्पादन तो ये हो रहा है, है ना और ये जो है खराब सामग्री खराब सामग्री का हिसाब किताब यहाँ वन परसेंट का है बी और सी में पांच परसेंट सात परसेंट का है अब आप उन्नीस की तरह कर लेना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में आराम से हो जाएगा खुद से कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है एक बार देख लो मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप शांति से देख पाओ आपको दिक्कत ना लगे तो इसके लिए मैं एक बार साइड हो जाता हूँ आप लोग इतमिनान से तसल्ली से देख लो इस चीज़ को कोई जल्दीबाजी नहीं है आराम से देखो एकदम शांति से देखना है बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है <coughs> हो जाएगा हो जाएगा बहुत बढ़िया आंसर भी लिख रहे हैं बच्चे तो हैं थैंक यू शिवम बेटा बहुत अच्छी बात है अच्छा पेपर गया आपका बनाएंगे बेटा मैथ्स का भी वन शॉट बनाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टार लगाओ आप लोग यह भी मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं गलती होने के चांसेस रहते हैं मतलब इसमें बाकी क्वेश्चन एक बार आपको ए घटना ई वन घटना ई टू घट घटना अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा है ना बाकी बस मुश्किल इतना ही है कि ए घटना ई वन घटना ई टू घटना अपने को पता चल जाए कि कौन सी है बाकी कुछ मुश्किल है नहीं इसमें इतनी कहानी है तो वही पता करना है बस अपने को इसमें पढ़ लो एक बार क्या है हिसाब किताब इसका बावन ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है शेष पत्तों से दो पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है ठीक है देखिये बावन ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है शेष पत्तों से दो पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं ये दे दिया इसने एक पत्ता तो खो ही चुका है अब दो जो बचे इक्यावन पत्ते शेष पत्तों मतलब इक्यावन में से दो पत्ते और निकाले जो ईट के पत्ते हैं दो पत्ते निकाले जाते हैं जो ईट के पत्ते हैं यह घटना ए है हमारी ईट के पत्ते निकाले हैं ठीक है थिके? खो गए पत्ते की ईट होने की प्रायिकता क्या है जो पत्ता खो चुका है उसके ईंट का पत्ता होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है तो खो गए पत्ते की ईट होने की प्रायिकता निकालनी है जो निकालने को बोला गया है इसको ईवन घटना लिख देंगे हम लोग है ना तो पहले तो ए घटना क्या दे रखी है घटना दे रखी है कि दो पत्ते निकाले जाते हैं जो ईट के हैं तो मतलब दो ईट के पत्ते निकाले दो ईट के पत्ते निकाले भाई ये तो घटना है एवन घटना क्या है खो गए पत्ते की ईट होने की प्रायिकता क्या है एक ईट का पत्ता खो गया या खोया हुआ पत्ता ईट का है ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा खोया हुआ पत्ता खोया हुआ पत्ता ईट का है और ईटू घटना है खोया हुआ पत्ता ईट का नहीं है ठीक है चलिए खोया हुआ पत्ता ईंट का है खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है ये हमारे को आ, एवन ई टू हमने मान लिया ये तो क्लियर ही था कि खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है तो ये तो पता ही चल रहा है कि ईवन घटना क्या लेनी है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है तो ईटू घटना खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है यही आ सकती है दूसरी घटना और क्या हो सकती है <laughs> बाकी ये चीज दे रखी है कि दो पत्ते निकाले और जो कि ईंट के पत्ते हैं स्पेसिफिकली बोल दिया ईंट के पत्ते निकाले साहब तो दो ईंट के पत्ते निकाले हैं ये घटना ए बोल दिया हमने क्वेश्चन में पूछा क्या गया है क्या इवेंट पूछी है क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछी है इवन बाई ए प्रोबेबिलिटी इवन बाई ए की मतलब ए घटना हो चुकी है दो ईट के पत्ते निकाले हैं अब खोए हुए पत्ते के ईट के होने की क्या प्रायिकता है यह क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो कैसे आएगा वो आएगा पी इवन पी ए इवन नीचे वही पी इवन पी ए बाईन प्लस पीई टू और पी ए बाई टू ये वैल्यूज मतलब इस फॉर्मूले से निकलेगा जो भी निकलेगा मैं फॉर्मूला तो यहाँ रख देता हूँ अरे यार ये क्या गया हम्म फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख दिया हूं अब वैल्यूज हम लोग उस तरफ कर लेते हैं आप लोग बताइए चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसकी वैल्यूज भी बड़ी खास है मतलब आगे भी खास है प्रोबेबिलिटी निकालने का भी प्रोसेस जो है इसका बड़ा अच्छा है मेरे को बड़ा सही क्वेश्चन लगता है थोड़ा सा छोटा हो जाए तो अच्छा रहे हो गया थोड़ा तो थो। चलो तो पीई वन e बताएंगे सबसे पहले तो एक एक करके निकालेंगे वैल्यू रखने का काम आप कर लेना मैं निकाल करके दिखा दूंगा खाली आप लोगों को पीई e टू निकालेंगे पी ए बाईन निकालेंगे पी ए बाई टू निकालेंगे ये चार चीजें हम लोग निकालने वाले हैं ठीक है एक एक करके निकालते हैं आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है पी ई -E वन बताइए सबसे पहले तो पी ई वन का मतलब क्या होता है पी ई वन का मतलब है खोया हुआ पत्ता ईंट का है मतलब एक ईंट का पत्ता खो गया साहब बावन पत्तों में से एक पत्ता खोया और वो ईंट का ही है तो मतलब बावन पत्तों में से एक पत्ता निकल गया ईंट का ईंट का, का पत्ता निकलने की क्या प्रायिकता तेरह बटे आंसर आ गया एक बटे उसमें क्या है सिंपल तेरा पत्ते होते हैं ईंट के सबको पता है दुनिया में तेरा ईंट के तेरा हुकुम के तेरा चिड़ी के तेरा गुला तेरा पान के या इस तरह से तेरा तेरा करके चार होते हैं पी ईटू -E खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है ईंट का नहीं है मतलब हो सकता है पान का हो, हो सकता है हुकुम का हो, हो सकता है चिड़ी का हो तेरा ती उनतालीस इनमें से कोई हो ईंट का ना हो कोई बात नहीं है ये तीन बटे चार आ जाएगा या फिर आप इसको वन में से माइनस करके भी कर सकते थे क्योंकि ईट का है ईट का नहीं है तो पी ई वन डैश की तरह हो गया एक तरीके से वन माइनस वन बाई फोर करते तो भी थ्री बाई फोर आ जाता एक ही बात है अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है पी ए बाई ई वन ये थोड़ा ध्यान देने वाला है कि ई वन घटना हो चुकी है अब थोड़ा ध्यान दो यहां पर थोड़ा ध्यान दो या ये बताओ मेरे को कि कौन कौन बता पाता है देखें एक बार आपके चैट देख लूंगे मैं ईवन घटना हो चुकी है मतलब एक ईंट का पत्ता खो चुका है ईवन घटना हो चुकी है मतलब खोया हुआ पत्ता ईंट का है मतलब एक ईंट का पत्ता खो चुका है अब एक ईंट का पत्ता तो खो चुका है अब उसके बाद एक घटना घटित हो रही है उसके बाद दो ईंट के पत्ते निकाले एक ईंट का पत्ता खो चुका है ऑलरेडी पत्ते बचे 51 अब उसमें से एक ईंट का पत्ता दो ईंट के पत्ते निकाले उसकी क्या प्रायिकता है तो देखो होते हैं ईट के पत्ते एक तो हो चुका है बचे कितने बारह पत्ते और कुल बचे इक्यावन पत्ते के बचे और कुल पत्ते बचे हैं अब दो पत्ते निकालने हैं तो अनुकूल बटे कुल के हिसाब से है बटे इक्यावन आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तथा दूसरा पत्ता मतलब एक पत्ता तो ईट का निकल ही चुका है यह एक पत्ता निकालो और एक और निकाला क्योंकि दो पत्ते निकालने हैं एक ईट का पत्ता खोने के बाद दो ईट के पत्ते और निकालने तो अब ईट के बारह ही पत्ते बच्चे कुल इक्यावन उसके बाद यह भी बाहर निकाल दिया तो अब ग्यारह ही पत्ते बच्चे और कुल पचास हिसाब किताब भाई एक ईट का पत्ता निकल चुका है तेरा बटे बावन से पहले ही हो चुका है अब दो और ईंट के ही निकालने तो तेरह बटे बावन के बाद बारह बटे इक्यावन ही बचेगा तेरह पत्तों में से एक निकल गया तो बारह ही बच गया कुल भी एक कम हो गया फिर एक और निकालना है तो अब बारह के बाद ग्यारह ही बचे गड्डी में तो पत्ते और कुल पचास ही बचे क्योंकि दो ईट निकल चुकी हैं ऐसे ही पी ए बाई का मतलब है खोया हुआ पत्ता ईट का नहीं है अब दो ईट के पत्ते निकालने की क्या प्रायिकता है ईटू घटना हो चुकी है।, है मतलब खोया हुआ पत्ता ईट का नहीं है अब ए घटना की प्रायिकता क्या है अब दो ईट के पत्ते निकल जाएं इसकी क्या प्रायिकता है तो भाई ई टू घटना हो चुकी है खोया वो पत्ता ईंट का नहीं है तो ईंट के अभी भी तेरह ही पत्ते हैं लेकिन कुल पत्ते तो इक्यावन ही है ना एक पत्ता खोया तो है ना टोटल में से तो ईंट का नहीं खोया कोई बात नहीं तो अनुकूल बटे कुल के हिसाब से तेरह बटे इक्यावन तेरह पत्ते ईंट के बचे हैं कुल इक्यावन बचे हैं अब एक पत्ता तो गया तो अब अगला पत्ता की बात करें तो बारह बटे पचास आ जाएगा ये इस तरह से आएगा ये सारे जो भी मान है सारे तामझाम उठा करके यहां रख देना आपका आंसर आ जाएगा समझ आया कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों के कि नहीं बताओ फटाफट से यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये ज्यादा मतलब। क्वेश्चन नहीं बचे अब ये आखिरी क्वेश्चन है उसके बाद दो ऑब्जेक्टिव बचे हैं क्वेश्चन उसके बाद जो उदाहरण और प्रश्न में कह रहा था खास वाला वो है वो कर लेंगे अपन ज्यादा नहीं बचे मतलब होने वाला है अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने निपटा लिए हैं जिस तरह के आते हैं एग्ज़ाम में अब तो दो ऑब्जेक्टिव बचे हैं वो तो एकदम आसान है ही उसके बाद दो भारी क्वेश्चन हैं जिसको करवाने में लगेगा समय मतलब बस उसी में समय लगेगा बाकी कुछ खास नहीं बचा इसमें ऑलमोस्ट हो गए हैं सारे क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं आप चिंता मत करो बस आप लोग लगे रहो लिखते रहो समझते रहो कोई दिक्कत आए तो पूछते रहो देखो ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है दिक्कत इसलिए आ रही है मैं समझ रहा हूँ पूरी तरीके से क्योंकि ये पार्ट आप लोगों का थोड़ा अधूरा है जीवन में <laughs> कि दो पत्ते निकाल लिए तीन निकाल लिए अब क्या करें ये इलेवेंथ की चीज़ है थोड़ी बहुत तो ठीक है कोई बात नहीं आपका पुराना थोड़ा सा गड़बड़ है मामला वापस देखते हैं क्वेश्चन बोला था बावन ताश की बावन ताशों की गड्ढे में से एक पत्ता खो जाता है शेष पत्तों से दो पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के ही पत्ते हैं तो साफ साफ बोल दिया कि दो पत्ते निकाले हैं और वो ईंट के पत्ते हैं तो दो पत्ते, दो के पत्ते पत्ते के निकाले हैं हमने तो ये हमने एक घटना मान ली क्योंकि दे रखी है है अब जो खोया हुआ पत्ता वो ईट का है इसकी क्या प्रायिकता है तो हमने लिखा कि खोया हुआ पत्ता ईट का है इसको ईवन घटना लेते हैं और खोया हुआ पत्ता ईट का नहीं है इसको ईटू घटना मान लेते हैं हम लोग तो हम पी बाई ए निकालना चाह रहे हैं कि दो ईंट के पत्ते निकाले लेकिन उससे पहले खोया हुआ पत्ता ईंट का ही है इसकी क्या प्रायिकता है तो उसके लिए तो यह फॉर्मुला लग ही जाता है अब वैल्यूज की बात है पी पी -E -E का मतलब है कि ईवन e घटना हो चुकी है खोया हुआ पत्ता ईंट का है मतलब बावनताश की गड्डी में से एक पत्ता निकल गया खो गया वो ईंट का पत्ता है तो ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता या ईंट का पत्ता निकलने की प्रायिकता अनुकूल बटे कुल के हिसाब से तेरह बटे बावन तेरह बटे ईंट के होते हैं कुल बावन होते हैं तो तेरह बटे बावन के हिसाब से एक बटे चार आ जाएगा इसके बाद में पीई टू की भाई खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है तो तेरह पत्तों में से नहीं है तेरह ईंट के हैं बाकी के उन्तालीस पत्तों में से है तो उनतालीस बटे बावन तीन बटे चार आ जाएगा तेरह के पहाड़े से कट करके ये तो बहुत सिंपल है पीई वन और पीई टू मेरे ख्याल से आप लोगों को आराम से समझ में आ भी गए होंगे बात है पी ए वन की ध्यान से समझना इस चीज को वापस से सुन लो पी ए वन कैसे निकाला पी ए वन ऐसे निकाला कि घटना हो चुकी है मतलब खोया हुआ पत्ता ईंट का है मतलब एक पत्ता खो चुका है ईट का एक ईंट का पत्ता खो गया बचे केवल इक्यावन पत्ते उनमें भी ईंट केवल के बारह ही बचे टोटल हुआ करते थे, लेकिन एक खो गया मतलब ईंट के बारह पत्ते बचे हैं टोटल इक्यावन पत्ते बचे हैं अब उसमें से दो ईंट के पत्ते निकालने एक एक करके तो एक ईंट का पत्ता निकालें वो तो बारह बटे इक्यावन से अनुकूल बटे कुल से तथा फिर से एक और ईंट का पत्ता निकालेंगे तो भाई बारह पत्तों के बाद भी अब तो ग्यारह ही बच गए ना आपने एक पत्ता तो खो ही दिया ईट का फेंक दिया बाहर बारह बचे थे बारह बटे इक्यावन से एक और पत्ता निकाल लिया अब दो ईट के पत्ते बाहर हो गए अंदर तो ग्यारह ही पत्ते बचे हैं और गड्डी पचास पत्तों की बची है बारह बटे इक्यावन के बाद भी एक एक पत्ता कम ही हो गया ईट के पत्ते ग्यारह ही रह गए और फिर इक्यावन के बाद पचास ही रह गए वो तो कुल पत्ते तो तो इसलिए मल्टीप्लाई में इक्यावन बटे पचास भी आएगा काम खत्म नहीं हुआ दो पत्ते निकालने थे पहला पत्ता तथा दूसरा पत्ता उस हिसाब से क्या है काम यहां पर सेम ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं ईटू घटना हो चुकी है मतलब जो खोया हुआ पत्ता है वो ईट का नहीं खोया मतलब ईट के तो तेरह ही पत्ते हैं बस कुल पत्ते इक्यावन रह गए क्योंकि एक पत्ता तो खोया ही है किसी और का खोया होगा हुकुम का खोया होगा लेकिन कुल बावन में से तो इक्यावन ही रह गए ना ईट के तेरह सेफ है पूरे तो तेरह बटे इक्यावन से अनुकूल बटे कुल से पहला पत्ता निकलेगा तेरह में से कोई एक उसके बाद अब पत्ते तो बारह ही रह गए क्योंकि एक ईट का निकाला है यहां पर जाकर के और कुल पत्ते जरूर कम हो जाएंगे इक्यावन के पचास ही रह जाएंगे तो बारह बटे पचास से इसका आंसर आएगा तो ये इस तरह से किया गया है और ये मैं हटा देता हूं इसकी जरूरत है नहीं आप लोगों को यहां वैल्यूज रखोगे तो आंसर आ जाएगा बड़े आराम से आ जाएगा मैं रखू क्या वैल्यू वैल्यू तो रख लेना यार क्या है वैल्यू रखने का काम इतना मुश्किल थोड़ी है रखू क्या वैल्यू ये करवा देता हूँ या तो मैं पूरा ही कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी लंबी है ना दिखने में इसलिए लग रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा डर इसमें बाकी ऐसा कुछ है नहीं डरने जैसा कुछ है नहीं इसमें इजी है क्वेश्चन कैलकुलेशन भी इजीली हो जाएगी देखना अभी मैं करवाता हूँ इसको कैलकुलेशन में कोई मुश्किल काम नहीं है इजीली हो जाएगी देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर पी ई वन पी है वन बाई फोर पी ए बाई ई है बारह है बटे इक्यावन गुणा ग्यारह है बटे पचास डिवाइड में वही वन बाई टेल्व बाई फिफ्टी वन इंटू इलेवन बाई फिफ्टी प्लस में पी ई टू का मतलब है तीन बटे चार गुणा ए बाईटू का मतलब है ये तेरह बटे इक्यावन गुणा बारह बटे पचास देखो एलसीएम इसका आएगा चार गुणा इक्यावन गुणा पचास चार गुना इक्यावन गुणा पचास एलसीएम आएगा और इसका भी चार गुना इक्यावन बटे पचास गुणा पचास ही है तीनों से नीचे वाला टर्म कट जाएगा बचेगा ऊपर वाला ऊपर बचेगा बारह गुना ग्यारह नीचे बचेगा बारह गुना ग्यारह और तीन गुणा तेरह है गुणा बारह बारह भी ऊपर से और नीचे से कॉमन आकर के कटेगा क्या बचेगा फाइनली ग्यारह बटे ग्यारह प्लस तीन गुणा तेरह तो ग्यारह बटे ग्यारह प्लस तेरह तीस उनतालीस ग्यारह बटे पचास इसका फाइनल आंसर आएगा आप सोच के देखो कितना छोटा हो गया कैलकुलेशन जबकि दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन सब कॉमन आ करके कट रहे हैं एलसीएम एलसीएम आके कट रहे हैं इतना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ध्यान से करते हो तो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन की ईजी है क्वेश्चन कैलकुलेशन भी मतलब बहुत ईजी है इसकी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगला पार्ट देखते हैं इसका

कि चित्त प्रकट हुआ वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की क्या प्रायिकता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दे रखा ऑब्जेक्टिव में लेकिन है बहुत प्यारा क्वेश्चन ट्रिपल स्टार तो मिनिमम जाएंगे इसके भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वापस से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे एकदम से जल्दी से आंसर नहीं देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो शांति से पढ़ो कि इसने बोला कि ए द्वारा सत्य तो मतलब उछाला गया है। और ए बता रहा है, एक व्यक्ति का नाम है, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ यही घटना ए हो जाएगी हमारी कि वो व्यक्ति बता रहा है कि चित्त आया है साहब ये घटना ए है ये चीज दे रखी है ना हमारे को अब वास्तविक रूप में चित्र प्रकट हुआ है इसकी क्या प्रायिकता है तो आप इसको किस तरह से लिखोगे इसमें घटनाएं बनाने वाला जो प्रोसेस है ना यही बड़ा खास है इसका घटनाएं बनाने का जो प्रोसेस है वही बड़ा इसका खास है बाकी आगे तो आंसर आ ही जाएगा खैर घटना ए क्या लिखोगे आप आ, ए ने बताया कि चित्त प्रकट हुआ अब घटना ईवन क्या है ईवन घटना है कि एक्चुअल में सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है और ई टू घटना है कि सिक्के पर चित्र प्रकट नहीं हुआ है मतलब पटा है इनडायरेक्टली क्योंकि झूठ भी बोल सकता है ना उसने बोला है चित्त आया है जरूर थोड़ी आया हो वो तो झूठ भी बोलता है भाई उसके तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी चार बटे पांच है पांच में से चार बार सच बोलता है लेकिन पांच में से एक बार झूठ बोलता है तो झूठ भी बोल सकता है क्वेश्चन बड़ा दमदार है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा है क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक्चुअल में उसने बोला है कि भाई क्वेश्चन बोला है कि ए बताता है कि चित्र प्रकट हुआ है वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की क्या प्रायिकता है मतलब पी ई वन बटे ए पूछा है ए घटना हो चुकी है कि ए ने बताया है चित्र प्रकट हुआ है अब एक्चुअल में सिक्के सिक, सिक पर चित्र आया है इस बात की क्या प्रायिकता है तो फॉर्मूले के हिसाब से पी ई वन और पी ए बाई ई वन आएगा पी ई -E पी ए बाईन पीई टू पी ए बाई टू आ जाएगा ठीक है बाकी तो सब ठीक है आगे बढ़ते हैं आप पी ई वन कितना आएगा सिक्के पर चित्र प्रकट हो सिक्के पर चित्र प्रकट नहीं हो दोनों की प्रायिकता है ये तो वन बाई टू वन बाई टू होती है ये भी वन बाई टू ही आएगा और ये भी वन बाई टू ही आएगा पी ए बाईन कितना आ जाएगा ए बाईव का मतलब है ईवन घटना हो चुकी है सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ है ईवन घटना हो चुकी है सिक्के पर चित्र प्रकट हो चुका है अब ए घटना की क्या प्रायिकता है अब ए ने बताया कि चित्र प्रकट हुआ है चित्र प्रकट हो चुका है सिक्के पे अब ए ने बताया कि चित्र प्रकट हुआ है इसकी क्या प्रायिकता है मतलब ए ने सच बोला सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ है अब ए ने बताया कि चित्र प्रकट हुआ है इसके मतलब ए ने सच बोला और ए के सच बोलने की प्रायिकता कितनी है चार बटे पांच पी ए बाई टू ए बाई टू का मतलब है ई टू घटना हो चुकी है सिक्के पर चित्र प्रकट नहीं हुआ सिक्के पर तो पट आया है आया ही नहीं है लेकिन अब ए घटना होने की क्या प्रायिकता है अब ए ने बताया कि चित्र प्रकट हुआ है सिक्के पर चित्र प्रकट नहीं हुआ लेकिन ए ने बताया कि सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ है इस बात की क्या प्रायिकता है मतलब ए ने झूठ बोला है ए के सच बोलने की प्रायिकता है एक बटे चार बटे पांच है तो झूठ की एक माइनस चार बटे पांच वह एक बटे पांच आ जाएगी ये हमारे पास आ गया सारी वैल्यूज वहां रखोगे आंसर आ जाएगा आप लोगों का होमवर्क में कर लेना इसको क्वेश्चन एकदम सिंपल है बस आपको ये ढूंढना होता है कई बार क्वेश्चंस में जहाँ गफलत लगती है बस इतनी जगह ही लगती है कि ए घटना किसको लें ई वन घटना किसको लें ई टू घटना किसको माने यही बस एक छोटा सा सवाल रहता है बाकी तो सब आसान है बाकी इतनी दिक्कत वाली चिंता वाली कोई बात नहीं है इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आगे बढ़े हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाएँ फटाफट से बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला भी ऑब्जेक्टिव भी अच्छे हैं क्वेश्चन आखिरी में जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कोई भी लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं है सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लास्ट में ले रहे हैं और ज्यादा देर नहीं बचेगी मेरे ख्याल से आधे घंटे में अपन खत्म कर लेंगे चौदवा प्रश्न ध्यान से देखिए फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए उप है बी का अब ये बड़ा खास चीज दे दिया ये किसका चिन्ह होता है उप का ये 11वीं क्लास में सीखा हुआ है उप का चिन्ह होता है उप मतलब बी तो बड़ा समुच्चय है उससे छोटा समुच्चय है ए मतलब मान लो बी के पास है वन टू थ्री फोर और ए के पास में है मान लो वन टू थ्री इसी के अवयवों में से कुछ अवयव लेकर के नया समुच्चय बना दिया ए, ए तो A, उप है बी का। क्लास का क्लास फर्स्ट चैप्टर में ही सीखा था अपन ने एग्जांपल ले लिया तो. एक उदाहरण बना दिया अपनी ऐसा कुछ नहीं है से मान लिया और इसने बोला है कि बी की प्रायिकता जीरो भी नहीं है साहब अच्छी बात है

अब ऐसी स्थिति में पी ए अपॉन बी निकालें तो क्या वो पी बी अपॉन पी ए के बराबर आएगा ये तो फॉर्मुला वैसे होता ही नहीं है ये तो फॉर्मुला ही गलत लिख दिया पी ए अपॉन बी आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी वैसे तो बाकी फिर भी अगर निकालना चाहो पी ए अपॉन बी तो निकाल के देख लो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ जाएगा पी ए बाई बी कितना आएगा पी ए बाई बी है बी घटना हो चुकी है ये हो चुकी है तो क्या ये इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग हैं ए इंटरसेक्शन बी में वन टू थ्री ही है पूरा का पूरा तो ये तो हमारे पास हो जाएगा तीन बटे छ इसकी तो. और P B की चार बटे छ मतलब आंसर आ रहा है तीन बटे चार और इसके हिसाब से ये कह रहा है कि पीबी अपॉन पी ए निकाल लो पी बी हमारे पास है चार बटे छः पी ए हमारे पास है तीन बटे छः बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहा ये कुछ और आ रहा है ये कुछ और आ रहा है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया साहब डायरेक्ट ही गलत हो गया सोचने की बात ही नहीं है वैसे साफ साफ दिख रहा है इधर लेस देन का साइन है इधर ग्रेटर देन का साइन है तो इनमें से कुछ होगा <laughs> दिख रहा है वो ऐसे सिचुएशन में कुछ ना कुछ आंसर होता है तो पी ए अपॉन बी और पी ए में कंपेयर करना है कि पी ए अपॉन बी से पी ए छोटा आ रहा है या पी ए अपॉन बी से पी ए बड़ा आ रहा है ये बताना है तो पी ए अपॉन बी तो ये रहा और पी ए जो है वो है हमारे पास तीन बटे छ मतलब एक बटे दो कौन बड़ा है भाई तीन बटे चार बड़ा है कि एक बटे दो बड़ा है एक बटे दो होता है जीरो पॉइंट पांच तीन बटे चार होता है जीरो पॉइंट पिचत्तर यह है जीरो पॉइंट पांच के बराबर यह है जीरो पॉइंट पिचहत्तर के बराबर तो जाहिर सी बात है यही बड़ा है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा सिंपल एक उदाहरण मर्जी से बना करके ले लिया ना दिक्कत क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है मर्जी से उदाहरण बना लो आंसर निकाल लो आंसर आ जाएगा एकदम सिंपल सी बात है ज़्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है हाँ ये है कि अपन इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिस्टमेटिक कर नहीं सकते ये तो अपनी मर्जी से अपन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के जुगाड़ में सॉल्व कर लिया इसको है ना इसको जुगाड़ में सॉल्व किया हमने अगर इसको जुगाड़ में सॉल्व नहीं करना हो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो जरूर थोड़ी ऑब्जेक्टिव में आए सब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन तो तो आ तो सकता है बात तो ठीक है अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो हल कैसे करेंगे प्रॉपर हल क्या होगा इसका वो देख लेते हैं एक बार पी ए अपॉन बी निकालना है पी ए अपन बी होता क्या है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी अब एक चीज तो स्पष्ट है लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी जो है पी ए इंटरसेक्शन बी किसके ही बराबर आएगी पी ए के ही बराबर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए के बराबर आएगा क्योंकि ए और बी मतलब ए जो है उप है बी का ए के पास सारे के सारे वो अवयव हैं जो बी के ही हैं ए के पास सारे अवयव बी में से ही कुछ कुछ लिए हुए हैं तो ए और बी में कॉमन क्या आएगा पूरा का पूरा ए ही कॉमन आएगा हमेशा ही होगा अगर ए उपसमूच है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए के ही बराबर आएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए के बराबर आएगा किस लॉजिक से बहुत सिंपल लॉजिक है क्योंकि ए उपसमूच है बी का इस लॉजिक से अब पी ए अपॉन पी बी के बराबर आ गया कौन पी ए बाय बी यहां पर पी बी अपॉन पी ए दे रखा था इसका उल्टा दे तो वही सही साबित हो जाता है पी ए अपॉन पी बी ध्यान से समझने की कोशिश करो सुनना ध्यान से अगर कोई संख्या है आपके पास में मान लो कोई संख्या है पांच इसको एक से बड़ी संख्या से अपन भाग दे रहे हैं तो संख्या छोटी हो जाती है कोई संख्या है जिसको एक से बड़ी संख्या है उससे भाग दिया एक से बड़ी संख्या है दो इसको भाग दिया तो दो पॉइंट पांच आ गया लेकिन इसी पांच को एक से छोटी संख्या से भाग दी अगर अपन ने तो रिजल्ट आएगा बड़ा यह बात तो तय है ना इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है ना अगर कोई भी दुनिया में संख्या है जिसको एक से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटी हो जाती है वो संख्या लेकिन किसी संख्या को एक से छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हंड्रेड परसेंट वो संख्या ओरिजिनल से भी बड़ी आ जाती है रिजल्ट में यहां यही हो रहा है हमें पता है पी बी का मान एक से छोटा है तो एक से छोटी संख्या से डिवाइड दे रहे हैं हम लोग ए को जब एक से छोटी संख्या से डिवाइड दे रहे हैं तो ये जो पी ए अपॉन बी है जो कि बेसिकली अपॉन पी, पी बी के बराबर है वो चीज बड़ी या बराबर आएगी पी ए के क्यों क्योंकि बी जो है वो लेस देन इक्वल टू वन है वन से छोटा या बराबर हो सकता है और नीचे की संख्या वन से छोटी या बराबर है तो फिर ओवरऑल संख्या पीए से तो बड़ी आ जाएगी ना ओरिजिनल ये जो आई है टेन वो पांच से तो बड़ी है ना तो पी ए अपॉन बी जो है पीए से तो बड़ा ही आएगा तो अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि पी ए अपॉन बी जो है वो बड़ा या बराबर है किसके पी ए के तो अगर मैथमेटिकल करना चाहें तो ये चार लाइन है और जुगाड़ में करना चाहें तो ये इस तरह से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से सॉल्व कीजिए आराम से सॉल्व हो जाएगा दिक्कत नहीं आएगी कोई भी ठीक है चलिए अब हम लोग जो मास्टर क्वेश्चन है पूरी तेरह पॉइंट तीन का सबसे जो ताकतवर क्वेश्चन है पूरी तेरह पॉइंट तीन में सबसे ताकतवर मतलब फाइव स्टार क्वेश्चन ये तो थ्री स्टार है ये भी थ्री स्टार क्वेश्चन तो है ही है ये तो थ्री स्टार क्वेश्चन है लेकिन जो फाइव स्टार क्वेश्चन है वो अब आया है ये है फाइव स्टार क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहते हैं इसको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसको शांति से पढ़िए आप और देखते हैं क्या आंसर आता है दो बार पढ़ना पड़ेगा यह कह रहे हैं मान लें कि एक एच परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है मतलब एच का कोई टेस्ट है एच परीक्षण हो रहा है एच टेस्ट हो रहा है उसकी विश्वसनीयता कि कितना सही है कितना गलत है वो उसके लिए ये डेटा दे रखा है आगे का एच आपको पता है एक रोग होता है है ना? उसकी बात चल रही है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90 परसेंट पता लगाने में और 10 परसेंट पता न लगाने में सक्षम है एच से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण में परसेंट सही पता लगाता है यानी एच नेगेटिव बताता है जबकि एक परसेंट परीक्षण परीक्षित नहीं है परीक्षण है परीक्षण है, एक परसेंट परीक्षण यहां लिख देता हूं मैं, एक परसेंट परीक्षण व्यक्तियों के लिए एच पॉजिटिव बताता है एक बड़ी जनसंख्या जिसमें जीरो पॉइंट एक परसेंट व्यक्ति एच ग्रस्त है में से एक व्यक्ति चुना जाता है और उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी एच की उपस्थिति बताता है क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में एच पॉजिटिव है ये हमारा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए ठीक रहेगा उससे अगर क्वेश्चन फिर से पढ़ लोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें आराम से पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन दे रखा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है तो वो अगर आपको पता चल गई तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखिए वो समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझते हैं क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं सेकेंड लाइन से ना एच पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण नब्बे परसेंट तो पता लगाने में और दस परसेंट पता नहीं लगाने में सक्षम है मतलब अगर कोई व्यक्ति तो तो एच केस में पता नहीं लगेगा ऐसी मशीन है, नब्बे परसेंट पता लग जाएगा नब्बे परसेंट केस में पता लग जाएगा दस परसेंट केस में पता नहीं लगेगा मतलब ऐसी मशीन है मशीन में ऐसी इतनी एक्यूरेसी है कि अगर कोई एच पॉजिटिव व्यक्ति मशीन में जाएगा टेस्ट कराने के लिए तो वो मशीन 90 परसेंट केस में तो उसको बोलेगी कि हाँ एच पॉजिटिव है लेकिन 10 परसेंट केस में वो गलत रीडिंग दे देगी कि नहीं 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 ये तो एच पॉजिटिव है ही नहीं जबकि व्यक्ति एच पॉजिटिव है लेकिन मशीन 10 परसेंट केस में गलत रीडिंग दे, दे देती है किन के लिए जो व्यक्ति एच पॉजिटिव है उनके लिए 90% केस में सही रिजल्ट देती है वो मशीन ठीक है अह एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्ति कौन होंगे जो एचआईवी नेगेटिव होंगे वो एचआईवी से स्वतंत्र हैं भाई है ना ये एग्जाम में बना दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं बनाओगे तो भी चलेगा एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण जो है मतलब जो टेस्ट है जो मशीन है 99% सही पता लगाती है नन्यानवे परसेंट तो एकदम सही पता लगाएगी एक परसेंट गलत पता बताएगी मतलब एक परसेंट गलत रिजल्ट देती है ये मतलब अगर एच नेगेटिव व्यक्ति कोई गया जिसको एच नहीं है तो 99% चांस है कि वो मशीन सही रीडिंग देगी कि हाँ भाई इसको एच नहीं है लेकिन 1% केस में गड़बड़ दे देती है व्यक्ति एच नेगेटिव है लेकिन बोल देगी कि नहीं नहीं ये तो एच पॉजिटिव है इसको तो बीमारी है साहब एक परसेंट गलतियां कर देती है वो। तो दो तरह के, के पेशेंट होंगे ना पे कोई तो, हो हो तो गड़बड़ कर देती है लेकिन नेगेटिव वाले में अच्छी परफॉर्म करती है सही रिजल्ट देती है एक परसेंट में गलत रिजल्ट देती है गलत मतलब जो व्यक्ति नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बता देती है ये इस तरह की मशीन है इतना इंफॉर्मेशन यहां तक है इसने बोला एक बड़ी जनसंख्या है जिसमें जीरो है है। मतलब तो लोग सौ में से इतने जाएंगे तो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट लोग एच तो यहां से देख के समझ में आ रहा है कि एच आईवी पॉजिटिव पूरी पॉपुलेशन में जीरो पॉइंट वन परसेंट लोग एच आईवी पॉजिटिव है तो पूरी पॉपुलेशन में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट लोग एच नेगेटिव ने सिंपल सी बात है पूरे पर, पूरे पेज पेज पर पर नहीं मतलब यहां तक आ, यहां तक का, का काम मैंने यहां पर लिख दिया इतनी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी यहां पर अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग तो आगे बढ़ेंगे है ना और मैं केवल आखिरी के तीन लाइनें पढ़ूंगा ढाई लाइनें जो बची बचिए बाकी की इन्फॉर्मेशन यहां लिख दी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि कहना क्या चाहता था कि भाई मशीन ऐसी है पॉजिटिव व्यक्ति गया तो नब्बे देगी गलत दे देगी वी नेगेटिव व्यक्ति गया तो नयानवेट सही रिजल्ट देगी एक परसेंट गलत रिजल्ट देगी और है कितने एच पॉजिटिव लोग दुनिया में इतने नेगेटिव इतने नेगेटिव तो हमने निकाल दिया बाकी पॉजिटिव दे रखे थे उसने चलिए तो अब इसकी बात करते हैं आगे क्या बोला है इसने एक व्यक्ति यादृच्छया चुना जाता है और उसका परीक्षण किया जाने पर मतलब टेस्ट किया उसको मशीन में भेजा एक व्यक्ति उठाया रैंडम पूरी पॉपुलेशन में से उसको मशीन में भेजा टेस्ट करने के लिए रोग विज्ञानी मतलब जो टेस्ट कर रहा है वो एचआईवी की उपस्थिति बता रहा है अब रोग विज्ञानी कहां से बताएगा वो तो मशीन बताएगी वही बता रहा है रोग विज्ञानी तो यह घटना ए हो जाएगी क्या कि मशीन एचआईवी की उपस्थिति बता रही है मशीन के हिसाब से आ, व्यक्ति एच पॉजिटिव है मशीन के हिसाब से तो आप लिखोगे कि रोग विज्ञानी एच पॉजिटिव बताता है मशीन द्वारा जाहिर सी बात है मशीन द्वारा एचआईवी जांच करके मशीन द्वारा जांच करके ये तो जाहिर सी बात है मतलब इसमें तो क्या ही सोचने की बात है आगे इसने बोला कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो व्यक्ति वास्तव में एच पॉजिटिव हो क्योंकि ये तो मशीन ने बताया है एच पॉजिटिव तो लेकिन मशीन तो गलत भी हो सकती है मशीन तो एच पॉजिटिव वाले बच्चों लोगों में दस परसेंट गड़बड़ियां करती है एच नेगेटिव वालों में एक परसेंट गड़बड़ियां करती है तो भाई मशीन बता रही है एच आई पॉजिटिव आया है व्यक्ति लेकिन व्यक्ति वास्तव में एच पॉजिटिव है इसकी क्या प्रायिकता है तो ईवन घटना होगी व्यक्ति एच पॉजिटिव है ही है और ई टू घटना हो जाएगी कि व्यक्ति जो है एच नेगेटिव है कि उसको एच नहीं है इस तरह से हम लोग ईवन और ई टू घटना मान लेंगे और ए घटना तो दिख ही रही है कि उसने बोल दिया एच कि वी पॉजिटिव है ठीक है चलिए अब हम लोग यहां से मेन इसमें यही था कि ए घटना घटना, घटना लिखने के बाद में ये कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है अगर इतना पता है आपको ए वन ई टू सब आपने निकाल लिया है तो अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में करने को अब तो हो गया क्वेश्चन ये यहां लिखो और अब फॉर्मला लगा दो तो। फॉर्मला क्या है हमारे पास फॉर्मला है पी अच्छा ईवन अपॉन ए पूछा है कि भाई ए घटना हो चुकी है रोग विज्ञानी मतलब मशीन जो है एच आई वी पॉजिटिव बचा रहा है और उसके बाद ईवन घटना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्यक्ति वाकई में एचआईवी पॉजिटिव है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये पूछा है क्वेश्चन में तो पी ईवन पी ए बाईव बटे पी ईवन पी ए प्लस पी ई टू और पी ए बाई ई टू ये वैल्यूज रख देंगे हम लोग निकाल लेते हैं पहले पी ई वन बहुत सिंपल व्यक्ति एच आई वी पॉजिटिव है व्यक्ति एच आई पॉजिटिव है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जीरो पॉइंट एक परसेंट व्यक्ति के एच आई वी पॉजिटिव होने के चांसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में ही जीरो पॉइंट एक परसेंट मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक जीरो पॉइंट एक बटे सौ प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो ताकि गलती ना हो सौ से भाग लगाएंगे परसेंटेज के लिए तो एक दो के बाद आप एक के बाद तो पहले से ही है और दो के बाद लग जाएगी तीन के बाद पीई टू की व्यक्ति एच आई वी नेगेटिव है कितने लोग हैं एच आई वी नेगेटिव नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट का मतलब हो गया नाइन नाइन पॉइंट नाइन अपॉन हंड्रेड दैट मीन 0.999 लोग एच आई वी नेगेटिव है इतने चांसेज नेगेटिव गई हैं। अब पी ए बाई ई वन बस यही कमाल की बात है पी ए बाई ई वन कितना आएगा और पी ए बाई ई टू कितना आएगा इसको थोड़ा ध्यान से देखना है अब आप लोगों को ठीक है तो ये है हमारे पास पी ए बाई ई वन का मतलब ई वन घटना हो चुकी है व्यक्ति एक्चुअल में एच पॉजिटिव है व्यक्ति पॉजिटिव है इवन घटना हो चुकी है अब ए के होने की क्या चांस है अब मशीन एच पॉजिटिव बताए इसके क्या चांस है व्यक्ति है व्यक्ति पॉजिटिव पॉजिटिव मशीन बताए मतलब सही पता लग जाए नाइनटी परसेंट पॉजिटिव व्यक्ति को एच पॉजिटिव बोले इसके नाइनटी परसेंट चांस है मतलब नब्बे बटे सौ के हिसाब से जीरो पॉइंट नौ आ जाएगा इसका आंसर ए बाई टू व्यक्ति एच नेगेटिव है e2 घटना हो चुकी व्यक्ति तो एचआईवी नेगेटिव है अब a घटना होने की क्या प्रायिकता है अब मशीन एचआईवी पॉजिटिव बता दे इसकी क्या प्रायिकता है कि व्यक्ति तो एचआईवी नेगेटिव है लेकिन मशीन गलत बता दे मतलब मशीन एचआईवी पॉजिटिव बता दे मतलब मशीन गलत बता दे एचआईवी नेगेटिव को गलत बताने का एक परसेंट चांस है तो 1% यहां पर आ जाएगा ये हो गया 1/100 दैट मींस 0.01 बस अब यहां पर वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में वैल्यू तो आप लोग रख लोगे यार वैल्यू में क्या है वैल्यू रखना कोई मुश्किल काम नहीं है मेन काम यही था ठीक है यहां तक क्लियर है कोई दिक्कत है पूछ लो फटाफट से आगे बढ़े फिर हाँ जी ठीक बात है संदेश चलो आगे बढ़ते हैं इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है इसके भी फाइव स्टार ही लगाओ सेम पैटर्न है क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ही था तो दो बार कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है तो इसको आराम से हम लोग करने की कोशिश करते हैं सब लोग ध्यान से देखिए उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा इस तरह के क्वेश्चन में ये जो बीमारी वाला क्वेश्चन है ना दोनों फॉर मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को देखिए किसी विशेष रोग के निदान के लिए रक्त की जांच जो है नन्यानवे परसेंट तो असरदार है मतलब निन्यानवे परसेंट तो सही जांच आ रही है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है मतलब रोगी रोग से ग्रस्त है मतलब पॉजिटिव है एक तरीके से रोग के लिए तो पॉजिटिव है किंतु जीरो पॉइंट पांच परसेंट बार किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्त जांच करने में निदान गलत रिपोर्ट देता है तो देखो कहानी क्या है वही मशीन की बात चल रही है कि एक तो है रोगी एक है रोगमुक्त व्यक्ति दोनों स्थिति में अलग अलग काम हो रहा है। रोगी है तो 99% सही जांच दे रहा है वो मशीन लेकिन 1% जो है गलत जांच दे रही है मशीन अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्त है मतलब उसको कोई रोग है नहीं मशीन से टेस्ट कराया तो मैक्सिमम केस में तो सही जांच दे रही है लेकिन जीरो पॉइंट पाँच परसेंट केस में वो भी गलत जांच दे रही है नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट सही जांच दे रही है ये क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन ये अपन ने अपनी मर्जी से बना दिया जब अपने को पता है कि इतने परसेंट केस में गलत हो रही है तो बाकी के बचे हुए केस में सही होगी जीरो पॉइंट पाँच परसेंट में गलत है तो फिर इतने परसेंट में सही है मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं आपको समझ में आ जाएगा क्या कह क्या रहेगा किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% परसेंट असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है तो अगर रोगी है रोगी है या बोल दो कि रोग ग्रस्त है एक ही बात है अगर रोग ग्रस्त है कोई व्यक्ति तो निन्यानवे परसेंट सही रिपोर्ट आती है उसकी एक परसेंट गलत रिपोर्ट आती है मतलब रोग ग्रस्त को बोल देते हैं कि भाई तो उसका तो कोई रोग ही नहीं है एक परसेंट रिपोर्ट गलत भी आती है आगे इसने बोला किंतु जीरो पॉइंट पांच परसेंट बार किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है तो अगर रोगमुक्त है कोई कोई स्वस्थ है उस केस में 0.5 परसेंट केस में गलत रिपोर्ट आती है बोल देता है कि यार इसको तो बीमारी है लेकिन 99.5 परसेंट सही रिपोर्ट देती है मशीन इतनी एक्यूरेसी है मशीन की ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ठीक है यदि किसी समुदाय में मतलब पूरी पॉपुलेशन में कोई एक कस्बे में कोई गांव में कोई बड़े से एरिए में जीरो पॉइंट एक परसेंट लोग उस रोग से ग्रस्त हैं तो रोगी कितने हैं रोगी मिलाकर के जीरो पॉइंट एक परसेंट है सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं देख लो आप लोग सेम टू सेम और स्वस्थ व्यक्ति कितने हो जाएंगे अगर जीरो पॉइंट एक परसेंट रोगी है तो हैं तो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट लोग स्वस्थ हैं यह भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है जिसमें से ये क्वेश्चन में नहीं बोला था ये अपन ने अपनी मर्जी से बनाया है ये भी नहीं बोला था माइनस करके बना लिया सौ में से अब क्वेश्चन जो पूछा है वो बना दे बता देंगे हम लोग इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पढ़ करके हमेशा बना लेनी है जब भी इस तरह के रोग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये बनाना ही पड़ेगा वरना कर नहीं पाओगे क्वेश्चन सॉल्व ठीक है अब क्या बोला है क्वेश्चन में आ, क्या प्रायिकता है कि कोई याद्रचा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा इसकी क्या प्रायिकता है मतलब इवन क्या है व्यक्ति रोगग्रस्त है इसकी प्रायिकता पूछी पूछिए जिसको पूछे उसको E1 E2 नाम दे देते हैं हम लोग इटू क्या हो जाएगा व्यक्ति स्वस्थ है रोगग्रस्त नहीं है मतलब व्यक्ति स्वस्थ है ये E2 घटना हो गई और क्वेश्चन में दिया क्या है वो लास्ट में यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि यह उसे यह रोग है रक्त की जांच में व्यक्ति रोगी बताया गया भाई रक्त की जांच हुई मतलब मशीन ने व्यक्ति को रोगी बोल दिया अब व्यक्ति वास्तव में रोगग्रस्त है वास्तव में रोगग्रस्त नहीं है उसके हिसाब से बात है तो क्वेश्चन ने बोला है कि क्या प्रायिकता है कि कोई याद्रचा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि व्यक्ति को यह रोग है मतलब क्वेश्चन में बेसिकली पी ई अपॉन ए ही पूछा गया है कोई चिंता वाली बात नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा गया है जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो निकाल लेंगे लेकिन पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले तो पी ई की बात करते हैं पी ई व्यक्ति रोग से ग्रस्त है जीरो पॉइंट एक परसेंट जीरो पॉइंट वन परसेंट का मतलब हो गया जीरो पॉइंट जीरो की बात करते हैं पी ई है व्यक्ति स्वस्थ है स्वस्थ होने के नाइनटी नाइन हैं मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट नो 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 वही सौ से भाग लगा देना पिछले वाले में जैसे किया इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि पिछले वाले में सेम पैटर्न का क्वेश्चन था पी ए वन e सबसे पहले तो पी ए बाईन की वन घटना हो चुकी है वन e घटना हो चुकी है का मतलब है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है यह तय है व्यक्ति रोग से ग्रस्त है ये वाला केस है मतलब अब ए घटना के होने की क्या प्रायिकता है अब रक्त की जांच में भी व्यक्ति रोगी आ जाए मतलब व्यक्ति रोग से ग्रस्त है और सही रिपोर्ट आ जाए इसका मतलब ये है ना तो 99 नाइन परसेंट चांस है 99 नाइन परसेंट का मतलब हो गया जीरो पॉइंट नो नो और अगर पी ए बाई निकालने की बात हो P ए बाई टू निकालने की बात हो ऐसे लिख लेते हैं ए बाईटू का मतलब है इटू घटना हो चुकी है घटना क्या है कि व्यक्ति स्वस्थ है व्यक्ति स्वस्थ है रोगमुक्त है मतलब ये वाला केस है लेकिन मशीन बता रही है कि व्यक्ति रोगी है तो व्यक्ति रोग मुक्त है स्वस्थ है तो मशीन गलत बता रही है कि व्यक्ति रोगी है तो जीरो पॉइंट पांच परसेंट केस में ऐसा होता है मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो पांच यहां पर आ जाएगा अब आप निकाल लो जो पूछा है यार अब तो क्या है तो आराम से आ जाएगा जो भी पूछे निकाल दोगे फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी है करना क्या है फॉर्मूला लिख देता हूं वैल्यू रख देना अब आप पे जाकर के। एक दो छोटे हैं। उसको भी निपटाते हुए जाना खत्म ही करेंगे छोड़ेंगे क्यों फालतू अधूरा खत्म ही करेंगे इसको तो वैल्यू वही आ जाएगी पी ईवन पी ए बाईन नीचे पी ईवन पी ए प्लस पी ई टू और पी ए बाई ए टू खत्म बात इतना ही कार्यक्रम है और बाकी सब समाप्त इसके बाद का काम आप होमवर्क में कर लेना हो जाएगा कि नहीं होगा लगभग अपने निपटा लिए हैं एक आधा क्वेश्चन है बाकी सब हो गए हैं सारे क्वेश्चंस कुछ बचा नहीं है ज्यादा क्या बचा ये ये तो सेम ही आ गया ये तो अपने जो तेरहवा क्वेश्चन किया था ना प्रश्न तेरह की तरह हो गया ये आप होमवर्क में कर लेना ये प्रश्न तेरह की तरह है सच बोलने वाला झूठ बोलने वाला क्वेश्चन है ये होमवर्क में कर लेना एक बार घर पे करना आ जाएगा आप लोगों को ना आए तो अपन डिस्कस कर लेंगे कोई चिंता वाली बात नहीं ये तो हो जाएगा लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन बचे हैं एक उदाहरण और एक प्रश्न और बचा हुआ है उसको भी निपटा लेते हैं वो छोटे हैं इनके मुकाबले छोटे हैं वो तो उसको खत्म करके फ्री करते हैं आज की क्लास को पांच मिनट में मेरे ख्याल से हो जाएंगे वो भी खत्म ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है चलिए तो मैं एक बार उन उदाहरण और प्रश्नों को ले लेता हूं जो रह गए हैं ये है उदाहरण नंबर पंद्रह ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया हड़ताल होने की प्रायिकता जीरो पॉइंट पैंसठ है और हड़ताल नहीं होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएँ जीरो पॉइंट अस्सी और जीरो पॉइंट बत्तीस है निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए देखिए सिंपल सा प्रश्न है क्या है स्थिति कि किसी व्यक्ति ने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया है अब बड़ी सी बिल्डिंग है सैकड़ों कारीगर काम करेंगे मजदूर काम करेंगे बहुत सारे लोग काम करेंगे बड़ी बिल्डिंग है तो तो उसमें फिर हड़ताल भी हो सकती है मजदूरों की मांग पूरी नहीं होगी तो तो हड़ताल होने की प्रायिकता दे रखी है हड़ताल होने की प्रायिकता है जीरो पॉइंट पैंसठ और हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता है जाहिर सी बात है वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव के हिसाब से जीरो पॉइंट पैंतीस लेकिन अगर हड़ताल है अब इसने बोला है कि हड़ताल ना होने की और हड़ताल होने की स्थितियों में दोनों स्थितियों में निर्माण कार्य के समय में पूर्ण होने की प्रायिकता यह है भाई कभी भी ठेकेदार जो होते हैं जनरली टाइम पे काम तो होता नहीं है बोलेंगे छह महीने में कर देंगे लगेंगे आठ महीने तो टाइम पे काम होने के चांस बहुत कम होते हैं तो हड़ताल नहीं भी होगी तो भी समय पे काम पूरा हो इसकी चांस जीरो पॉइंट अस्सी है हड़ताल है हड़ताल नहीं है तो भी समय पर काम शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ना समय पर काम पूरा हो जाए इस बात के चांस कितने हैं जीरो पॉइंट अस्सी हड़ताल नहीं में और हड़ताल है उस केस में हड़ताल हो जाए फिर तो चांस और मुश्किल पता नहीं कितने दिन की हड़ताल हो हड़ताल है तो समय पर काम पूरा होने के चांस कितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे जीरो पॉइंट बत्तीस उसकी प्रायिकता ये दे रखी ये इंफॉर्मेशन दे रखी एग्जाम में नहीं लिखना ये रफ का लिख दिया मैंने मैं इस कलर से कर देता हूं ये रफ का काम है है ना हमें क्या पूछा गया है हमें पूछा है कि यार हड़ताल ओ सॉरी काम टाइम पे हो जाए इस बात की क्या प्रायिकता है ये ठीक उस तरह का क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था मतलब शुरुआत में किया था ना आपके लिए कि दो हैं बैग लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बता दो साहब ये ठीक उस तरह का हो गया कि हड़ताल है हड़ताल नहीं है हड़ताल है में दो केस काम पूरा हो रहा है टाइम पे काम पूरा नहीं हो रहा है हड़ताल नहीं में काम पूरा हो रहा है काम पूरा नहीं हो रहा है जैसे यहां पर दो दो गेंद हैं दोनों बॉल में दोनों बैग में हमें बोला है लाल गेंद निकाल दो इसकी क्या प्रायिकता सिंपल किस बैग में से हमें नहीं मतलब तो यहां भी यही बोला है दो ही संभावनाएं हैं या तो हड़ताल है या नहीं है हमें तो बोला है काम टाइम पे हो जाए इसकी क्या प्रायिकता है ठीक उस तरह का क्वेश्चन है तो आपको यह घटना ये बोला है कि निर्माण कार्य समय पर पूर्ण होने की प्रायिकता पूर्ण हो यह है घटना ए हमें सिंपल पी ए पूछा है जो हम डिवाइड में लेते हैं आपको याद आ रहा है हमने पी ए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कैसे निकाली थी याद आ रहा है ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये भी अपने आप में एक फॉर्मला है एक तरीके से ये काम आ रहा है यहाँ पे डायरेक्ट काम आ रहा है मैं क्या करूं जो डिवाइड में हम लोग लिखते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह काम आ रहा है यहां पर तो पी ए की ही प्रायिकता पूछ ली डायरेक्ट ही ज्यादा इधर उधर की बात ही नहीं पूछी पीई वन पी ए बाईन प्लस में पीई टू पी ए बाई ए टू भाई टाइम पे काम हो जाए इसकी क्या प्राइकता पीई वन पी ई वन नहीं माना हमने पीई वन का मतलब है हड़ताल है पीई टू का मतलब है हड़ताल नहीं है हड़ताल होती है इसको ईवन घटना बोल देते हैं हड़ताल नहीं होती इसको हम लोग ई टू घटना बोल देते हैं अब पी मतलब हड़ताल होती है इसकी प्रायिकता जीरो पॉइंट पैंसठ है और हड़ताल होने के बाद ईवन हो चुकी है अब ए के होने की फिर भी टाइम पे काम हो जाए हड़ताल है फिर भी टाइम पे काम हो जाए इसकी प्रायिकता जीरो पॉइंट बत्तीस है लाल गेंद निकल गई सॉरी बैग पहला चुन लिया अब लाल गेंद निकले सेम हड़ताल है फिर भी काम टाइम पे हो रहा है हड़ताल नहीं है और हड़ताल नहीं है तो काम टाइम पे पूरा हो रहा है वो जीरो पॉइंट अस्सी और इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा छोटा क्वेश्चन है ये दो नंबर का क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन नहीं है इतने से में हो जाता है क्वेश्चन ठीक है तो ये Easy है लेकिन ये कुछ अलग है इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे जिसमें केवल पी ए पूछे तो थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए आपको इसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि ये हो चुका है साहब अब इसकी प्रायिकता बताओ ना सिंपल पूछा है निर्माण कार्य पूरा होने की प्रायिकता बता दो बात तो खत्म सिंपल दोनों स्थितियों में ही तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन है एकदम सेम है उदाहरण पंद्रह की तरह ये कोई डिफरेंस नहीं है उदाहरण पंद्रह की तरह और उदाहरण पंद्रह ही क्या इस तरह का तो अपन क्वेश्चन कर भी चुके हैं ये रहा ये क्वेश्चन जो किया था ये क्वेश्चन लाल गेंद निकालने की प्राय क्वेश्चन नंबर थ्री आपको याद हो तो शुरू में वही क्वेश्चन है, है एक कलश में पांच लाल पांच काली गेंद है। बता देता हूं मैं फिर भी इसको एक बार अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो पांच लाल है पांच काली गेंद है। एक गेंद निकाली इसका रंग नोट किया और वापिस से कलश में रख दी लाल निकाली तो लाल नोट करके रख दी निकाली गई गेंद काली है तो भी नोट कर लिया पेपर में और फिर रख दिया पुनः निकाली गई रंग की दो अतिरिक्त गेंदे कलश में रखी है अब भाई दो संभावना हो जाएगी दो संभावना क्या कि हो सकता है लाल गेंद निकली हो, हो सकता है लाल गेंद निकली हो हो सकता है काली गेंद निकली हो काली गेंद निकली हो दो संभावनाएं हो सकती है ना अब लाल गेंद निकलने के और काली गेंद निकलने के हिसाब में देखो लाल गेंद निकली नोट किया वापस रख दिया और बोला दो और गेंद रख दी तो लाल में ही दो जुड़ जाएगी फिर तो सात लाल गेंद हो जाएगी और पांच काली हो जाएगी लेकिन अगर निकाली गई गेंद काली निकल गई तो उसको तो रखना ही है साथ में दो काली और रख देनी है तो पांच लाल और सात काली हो जाएगी इस स्थिति में अब कलश में से एक गेंद निकालनी है और वो जो गेंद निकले वो लाल रंग के निकले इसकी प्रायिकता बतानी है मोटे मोटे तौर पे क्या स्टोरी हुई स्टोरी ये हुई कि अब दो कलश हो गए एक तरीके से वही बैग वन बैग टू बॉक्स वन बॉक्स टू इसमें से लाल गेंद निकाल दो इसकी क्या प्रायिकता है ये पूछिए क्वेश्चन में ठीक है तो इसने बोला कि कलश में से एक गेंद निकाली जाती है इसमें से कोई एक गेंद निकाली दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है तो दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता हमारे को पूछी गई है क्वेश्चन क्वेश्चन उसी टाइप का हो गया मतलब वही क्वेश्चन हो गया कि पहला वाला ये फलाना ढिमका इस टाइप से चल रहा है मामला दूसरी गेंद लाल रंग की है पहली गेंद लाल निकाली गई है ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया मतलब मोटी मोटी बात यह है. मैं मैं बता देता हूं एक बार ए घटना क्या लिखोगे आप कि दूसरी गेंद दूसरी निकाली गई गेंद दूसरी निकाली गई गेंद लाल है दूसरी निकाली गई गेंद लाल है मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है और इवन घटना पहली निकाली गई गेंद जो स्टार्टिंग में निकाली थी मतलब यहां पर पहली निकाली गई गेंद लाल है मान लेते हैं और वही E2 घटने में पहली निकाली गई गेंद अपन काली मान लेते हैं पहली निकाली गई गेंद काली है काली है ठीक है तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और पी दूसरी निकाली गई गेंद अः लाल होने की प्रायिकता पूछी है। अच्छा गलत लिख दिया मैंने यार पुनः निकाली गई रंग की दो अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा तो कलश में से एक गेंद निकाली जाती है दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है अच्छा दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता पूछी है कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो सिंपल पी ए पूछा है इसने पीई वन पी ए, बाई ए वन, प्लस में पीई टू पी ए बाई टू और कुछ नहीं बोला लाल रंग की गेंद निकले इसकी प्रायिकता कोई नहीं बैग वन बैग टू कुछ नहीं फलाना कुछ नहीं पी इवन, है पी ए इवन, पहली तो गेंद अब दूसरी लाल हो पहली लाल निकल गई तो यहां पहुंच गए इसमें से लाल निकलेगी सात बटे बारह से निकलेगी पी ई टू पहली निकाली गई गेंद काली है काली की भी पांच बटे दस प्रायता है ए बाई टू कि भाई काली निकल गई अब लाल निकले काली निकल गई तो यह केस लाल निकले पांच बटे बारह तो वही तो दो बार कट गया ये दो बार कट रहा है आंसर आएगा सात बटे चौबीस प्लस में पांच बटे चौबीस मतलब बारह बटे चौबीस ये तो एक बटे दो आ गया एक बटे दो ही आ रहेगी बच्चों चेक कर लेना एक बार आंसर इसका क्या इसका आंसर एक बटे तो ही आएगा सही है चलो बहुत बढ़िया तो ये हमने फाइनली सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण हर एक चीज हमने कंप्लीट कर दी अब कुछ नहीं छूटा है पूरी तेरह पॉइंट तीन समाप्त हो चुकी है आराम से घर पे बैठ करके इसको जितना पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चंस एक बार वापस से करना आप क्योंकि मैंने अधूरे ही छोड़े हैं ज़्यादातर क्वेश्चन को कैलकुलेशन तो कर ही नहीं है तो इस बहाने आपकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी और एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी बिना देखे पूरा करना फिर लास्ट में कैलकुलेशन कर लेना अब तो इतना अच्छा फ्लो बन गया है मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन को देख करके कि अब सामने क्वेश्चन आएगा तो खुद से कर पाओगे आप लोग इतने इतने सारे क्वेश्चन आज एक साथ ही प्रैक्टिस कर लिए एक ही टाइप के एक ही एक्सरसाइज के तो अब मेरे ख्याल से कर लोगे और इसी तरह से अब आप लोगों के जो जिनका सिलेबस कटा हुआ है उनका तो लगभग पूरा हो ही चुका है बिहार बोर्ड या एकादा बोर्ड का और बचा हुआ है जिनको मैं सुबह एक्स्ट्रा क्लास में लेकर के तेरह पॉइंट चार तेरह पॉइंट पाँच कवर करवा दूंगा और विविध भी करवानी है खैर विविध में भी है कुछ तेरह पॉइंट एक दो तीन के क्वेश्चंस तो वो तो बचे ही हैं खैर अभी एक क्लास में वो भी हो जाएंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट डे कुछ आपका शेड्यूल जो भी बनेगा बता दिया जाएगा आपको उसकी चिंता मत करना आप लोग सिलेबस आप लोगों का ऑलमोस्ट हो गया है ज़्यादा टेंशन है मतलब सिलेबस की अब रिविजन पर थोड़ा ध्यान दो अब आप आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इसको जरूर कर लेना एक बार घर पर बाकी जो बच्चे शुरू से लास्ट तक थे नीचे कमेंट करना मेरे को भाई कि बड़ा खुशी होती है मेरे को ये जानकर के कौन कौन लास्ट तक रुका था जबकि ये केवल एक प्रश्नावली करी है अपन ने पूरी प्रश्नावली का भी नहीं था रिविजन मुझे उम्मीद थी कि आज थोड़ा सा बच्चे पता नहीं कितना रुकेंगे कितना नहीं रुकेंगे और जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं बैच में अभी भी लास्ट मोमेंट पे भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं थोड़ी सी और नोट्स वगैरह चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह चाहते हैं तो इन नंबर पे फोन करके आप लोग जुड़ सकते हैं अभी एक जनवरी तक दो सौ रुपये का ऑफ है जो भी कोर्स की प्राइस है उस पर टू हंड्रेड रुपीज़ और ऑफ़ दे रखे हैं तो काफ़ी कम में आप लोगों को मिल जाएगा चलिए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को बाय बाय सी यू नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइम टेबल बता दिया जाएगा आपको जो भी क्लास है और डेली की क्लास लेना कल बहुत कमाल की क्लास होने वाली है आप लोगों की शाम को बाय बाय